हाय अब्दुल्ला, कैसे हो? ये पूछने के लिए तुमने 5000 फोन किए? मैंने यहाँ एक इंडियन मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। आज एक आला खानदान की तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के लिए रिजेक्ट करती है। ए लड़की, उठो और मेरे कमरे से बाहर दबाओ जाओ। Get up right now! मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मैं मजीद ये सजा नहीं काट सकती, मुझे इनसे तलाक चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि मुझे बीमारी क्या है? आपको लीवर कैंसर है। हाँ हाँ कहो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, बोलो ना। गेतिया रब, मेरा और अम्मी का जो भी रवैया तुम्हारे साथ रहा है, बेशक वो मामूली सी और हर घर की बातें थी, हर घर में सास और नन में थोड़ा बहुत तो खिंचाव होता ही है। हमारा और तुम्हारा रिश्ता भी बस ऐसा ही था भाई। अब क्या करें, तुम हमारी इकलौती भाभी थी और अम्मा की इकलौती बहू, तो बस वो अम्मा चाहती थी कि तुम बहुत खूबसूरती से और सुघड़ापे से उनका घर और खानदान संभालो। इसी वजह से बस मैं और वो कभी कभी तल्ख हो जाते थे। तो मैं चाह रही हूँ कि जो कुछ भी है ना, अपने दिल की बात वो निकाल दो, कह दो, सुन लो, जो कर लो, क्योंकि ये नए रिश्तों में अब वो रंजिशें नहीं आनी चाहिए, है ना। मैं तो वो बातें कब की भुला चुकी। बेटा मोमना, चाय बनाना तो सीख लो कम से कम। दाऊद तो बहुत चाय पीता है, मैं भी चाय की बहुत रसिया हूँ। सिर्फ लड़के पे थोड़े ही हाथ साफ करने होते हैं, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना पड़ता है, उसके घर वालों की ख्वाहिशों को देखना पड़ता है। खैर कोई जल्दी नहीं है, जब तक अब्दुल्ला शादी के लिए तैयार होकर पाकिस्तान नहीं आता, तुम तैयारी कर लो, उस वक्त तक चाय बनाना सीख लो कम से कम। मगर मोमना तो बहुत अच्छी चाय बनाती है, खुद दाऊद आके हमेशा फरमाइश करके इससे चाय बनवाता है। दाऊद तो मदहोश है, लेकिन शादी के बाद सब खुमार उतर जाएगा। अच्छा एक मिनट यार, I'll just call you back, ये कोई तंग कर रहा है। हाय अब्दुल्ला, कैसे हो? ठीक। इतने दिन हो गए, बात ही नहीं हुई। हाँ मैं बिजी था यार, टाइम ही था। ओ अच्छा, ये बताओ जॉब कैसी जा रही है? ठीक। और कुछ? मौसम कैसा है वहाँ का? ये पूछने के लिए तुमने 5000 फोन किए मुझे? सर्दी है। पाकिस्तान कब आओगे? पता नहीं यार। पता नहीं? क्या मतलब? फिर भी कोई ना कोई तो प्लान होगा ना। मैं अपने पर्सनल प्लान से शेयर नहीं करता, राइट? मगर अब्दुल्ला, हमारी मंगनी हो चुकी है। पता है मुझे, बहुत पुरानी बात हो गई है, कोई नई बात कर लो प्लीज। 5000 फोन करो तुम और फिर ये बकवास करो, मुझे हजारों काम होते मेरे। बेटा तुम्हें समझ नहीं आती, वो बेइज्जती कर रहा है तुम्हारी, बेजार हो रहा है तुमसे। बहुत जालिम, पत्थर दिल, बेहिस, तंग नजर लोग हैं तुम्हारे ददियाल वाले। चाहते हैं सारा जमाना उनसे मोहब्बत करे, पर वो किसी के ना हो। और वो तुम्हारी दादी, तुम मरते मरते भी मुझे मात दे गई, मेरी औलाद को गिरवी रख गई अपनी बेटी के घर। वो लोग तुम्हें खुशियां नहीं दे सकते, तुम रोओगी, सिसकोगी उसके आगे और उसके बेटे के आगे, तुम्हारी एक नहीं सुनेगी। शौहर के प्यार पर तो बस उसका और उसकी बेटी का हक है। देखो
उसकी बेटी तो आने से पहले ही मेरे बेटे के दिल पर छा गई। मम्मी, उनके बेटे का भी राज है आपकी बेटी के दिल पर। ऐसे मत करो बेटा, अब्दुल्ला का दिल दाऊद की तरह नरम नहीं है। मुझे तो उसमें तुम्हारे बाप की झलक नजर आती है। यही सर्द, रूखा, खिंचा हुआ चेहरा। आपकी माँ माँ होने की वजह से इतनी हकदार है। उसने अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला किया, अपने बेटे की जिंदगी का फैसला किया, उनकी औलादों का फैसला किया। मेरे हक का क्या हुआ रफी? मैं भी तो माँ हूँ। मुझे इतना भी हक नहीं है कि मेरे बेटे बेटी की जिंदगी का फैसला करते हुए मुझे पूछ ही लिया जाए? मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? कैसा अंधेरा ये? सिर्फ अम्मा को इस घर के सियाह सफेद करने का इख्तियार हासिल है। और मुझे मुझे किस चीज का इख्तियार हासिल है? तुम्हारा क्या है? उनके होते हुए मैं तुम्हें खुद मुख्तारी दे दूं और उनकी वैल्यू घर में जीरो कर दूं? उनकी उम्र, उनके तजुर्बे और उनकी तरबियत सब कुछ भुला के मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं? अगर कभी हिम्मत जमा कर भी लो तब भी मेरी माँ और बहनों के सामने जबान मत खोलो, क्योंकि मेरे लिए तुमसे ज्यादा वो अहम है। अब्दुल्ला तुम्हें भी ऐसी ही जिंदगी देगा। उसकी बातों से साफ जाहिर है उसे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। इस गिरती हुई दीवार के साए में आखिर तुम कब तक बैठोगी? तुम अगर मान जाओ तो मैं ये दोनों मंगनियां तोड़ देती। इस वट्टे सट्टे में तो मुझे तुम्हारी दादी ने उलझा दिया है, सारी उम्र की बेचैनी दे दी है मुझे। इस सौदे में तो सिर्फ शहरबानों को फायदा है। उसकी बेटी मेरे घर पर और मेरे बेटे के दिल पर राज करेगी और तुम शौहर के प्यार को तरसोगी। इस बंधन को तोड़ देते। सोचो तो सही, उस घर में तुम्हारी हैसियत क्या होगी? मेरी औकात याद है ना तुम्हें? लेकिन मैं अब्दुल्ला के बगैर नहीं रह सकती। आपकी भी तो जिंदगी बदल गई ना, मेरी भी बदल जाएगी। भी जैसे आपका अच्छा वक्त आया है, वैसे मेरा भी आ जाएगा। 24 साल जब तक तुम्हारी दादी जिंदा रही मैं मुर्दा थी। वैसे भी अम्मी, ये रिश्ते कोई दादी के लगाए हुए पर्दे नहीं है या उनके खरीदे हुए बर्तन नहीं है जो आप बदल देंगी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इन रिश्तों में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं। इतनी आसानी से हम लोग अस्पताल नहीं हो सकते। छोड़ें आप मुझे ये बताएं हुआ क्या? आप इतनी अपनी क्यों उससे बात करके खुद को हल्का करती है? उसकी बातों से साफ जाहिर है उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी दादी के सुनहरे उसूल बस मेरे बच्चों के लिए, अब्दुल्ला की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूछो ना उससे, बात करो। हम बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पूछो वो चाहता क्या है। अपनी पुप्पी से पूछो क्यों बेजार है उसका बेटा मेरी बहन से। जो मोहब्बत तुमसे बटोरते हैं उसी मोहब्बत की हकदार मेरी बेटी भी तो है। तुम कह दो तुम्हें अब्दुल्ला का रवैया पसंद नहीं है। तुम कह दो जो मोहब्बत तुम उनकी बेटी से करते हो वही मोहब्बत तुम्हें अपनी बहन के लिए भी चाहिए। बता दो। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन, जब तक अब्दुल्ला पाकिस्तान वापस नहीं आता मेरी बेटी रुखसत होकर उस घर में नहीं जाती, मोमना दुल्हन बनकर इस घर में नहीं आएगी। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। अम्मी एक्चुअली मुझे आपसे काफी अरसे से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बेटा मैं खुद बहुत परेशान हूँ और मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है अभी। नहीं अम्मी, आज मेरी बात पूरी होगी पहले। मुझे पता है आप मुझसे क्या पूछेंगी, लेकिन मेरे बताने के बाद क्या पता आप पूछेंगी ना। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई दाऊद आ गया। अच्छा है तुम्हारी इससे बात भी हो जाएगी। ओ हाय दाऊद, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ यार, तुम बताओ कैसे हो? कब आ रहे हो पाकिस्तान? सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं तो एक्चुअली तुम अच्छा आ गए, तुमसे भी बात क्लैरिफाई कर लूं और शेयर कर लूं। क्या? मैंने यहाँ एक इंडियन मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है। है ना?
ये मेरी बीवी है ना। एक्चुअली मैंने शादी तो एक साल पहले ही कर ली थी, लेकिन आप लोगों को बताने की हिम्मत नहीं थी। I'm so sorry दाऊद, मुझे पता है ये बात तुम लोगों के लिए कितनी तकलीफ दे होगी, लेकिन तुम खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे नाम पे जो यहाँ बच्ची बैठी हुई, तुम्हें उसका भी कुछ ख्याल है, एहसास है कि नहीं? और तुम्हारी बहन, सोचा है किसी का तुमने? दाऊद कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे। दाऊद प्लीज नाराज मत हो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो। दाऊद मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? अब्दुल्ला की किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हो तुम? अच्छा आओ आओ, चल के बैठ के बात करते हैं। नहीं बैठना। देखो मम्मा, मैं तुमसे रूठ नहीं होना चाहता, इससे बेहतर ये कि इस वक्त मुझे जाने दो। दाऊद तुम्हें कसम है, तुम मामी से इस बात का जिक्र नहीं करोगे। देखो बेटे बेटे कयामत आ जाएगी, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। दाऊद प्लीज प्लीज मुझसे वादा करो, तुम मामी से कुछ नहीं कहोगे। देखो हम बैठ के बात करेंगे, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन लेकिन तुम अभी मामी से कुछ नहीं कहोगे। प्लीज प्लीज अम्मी मुझे शादी करनी है जल्द से जल्द। अब्दुल्ला पाकिस्तान आ रहा है? मुझे उसका नहीं पता अम्मी, लेकिन मुझे शादी करनी है। मैं तंग आ गया हूं इस लंबी मंगनी से, पर मैं क्यों इंतजार की सूली पे लटक जा रहा हूं? और मेरी बेटी? जब अब्दुल्ला आएगा तो उसकी शादी कर दीजिएगा। तुम्हारी शादी उसी वक्त होगी जब दीबा की शादी होगी। मैं आंखें बंद करके शहरवानों पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर उसकी बेटी को मोहब्बत चाहिए तो मेरी बेटी को भी वही मोहब्बत चाहिए जो उसका हक है। अब्दुल्ला आ जाएगा, कहाँ जाएगा वो? और आप मेरी शादी कर दीजिए, फिर मैं कम से कम इस पोजीशन में होगा कि मैं उनसे बात कर सकूंगा, बात आगे बढ़ेगी, मैं प्रेशर दूंगा उनको। फिर भी कहता क्या है? आप मेरी शादी की बात करेंगी तो बात खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। आप एक शादी की शुरुआत तो कीजिए। दाऊद अब शादी के लिए जिद कर रहा है, लंबे इंतजार से घबरा गया है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि अब दोनों के फर्ज से सुबकदोश हो जाओ, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो कोई पेशरफ्त ही नहीं हो पा रही। क्या इरादा है अब्दुल्ला का? कब तक आने का कह रहा है? अब तो साल भर हो गया, उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी। हमने तो बहुत पूछा है, मगर हर बार उसका कोई ना कोई जरूरी काम निकल आता है। अब कोई पेपर हो रहा होता है जिसका उसे इंतजार होता है, या फिर मैं सोच रही थी वैसे उसे कि अब फोन करके बुलवा लूंगी उसे। हाँ, लेकिन वो कहता क्या है? हजार मसले होते हैं वहां पे, तुम्हें तो पता है ना कि उसका तो ग्रीन कार्ड भी बन रहा है। ग्रीन कार्ड? ग्रीन कार्ड तो हो चुका उसको। हाँ, वो कोई पेपर था उसका ऐसा जिसकी वजह से मामला अटका हुआ है, वरना मैं तो खुद उसे बुलाना चाह रही थी। तुम ये बताओ ना कि दाऊद की कौन सी तारीख रखे शादी की? दाऊद की? मैं तो अब्दुल्ला की आमद के बारे में पूछने आई थी। अच्छा खैर, मैं खुद ही उससे बात कर लेती हूँ। आप लोग तो पता नहीं उसको कब कॉल करें करें ना करें। गेतियारा, इस वक्त तो वहां पे रात होगी, वो सो रहा होगा। कोई बात नहीं, मेरी भी नींदें उड़ी हुई है। हाँ अब्दुल्ला, कैसे हो बेटा?
नहीं, मैं तुम्हारी माँ के घर आई बैठी हूँ। हाँ बेटे, मुझे तुमसे पूछना था, कुछ मुनासिब तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम घर के बच्चे हो, क्या इरादा है तुम्हारा, कब तक आओगे पाकिस्तान? हाँ, मैं कब तक आखिर अपनी बेटी को बिठा के रखूं? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। दाऊद को पता था? मामी प्लीज, इसमें दाऊद का कोई कसूर नहीं है। इनफैक्ट मैंने ही दाऊद को कहा था आप पे कुछ ना बताए। मामी, मुझे डर था कि क्या आप कहीं ये शादी रुकवा ना दें। मामी मेरे यकीन कीजिए, मेरी नीयत बिल्कुल खराब नहीं थी। हम लोगों को तो पता ही नहीं था इस बारे में, अम्मी को भी कुछ नहीं पता था। हम दोनों तो खुद शॉक रह गए थे न्यूज सुन के। मामी, अम्मी अब्दुल्ला से बहुत लड़ी हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि प्लीज आप नाराज मत हो। आपकी नाराजगी की वजह से दाऊद बहुत परेशान है। तुम्हें तो दाऊद मुझसे भी ज्यादा अजीज है। कहते हैं ना, माँ से ज्यादा चाहो तो खैर जो भी होगा। दरअसल मुझे मोहब्बत करना आती ही नहीं, इसलिए तो भागा भागा जाता है तुम लोगों के पास तुम्हारी मोहब्बत। मेरा ये मतलब नहीं था मामी, मैं बस ये चाहती थी कि आप लोग ये ना समझें कि मैं कभी भी आप लोगों के दरमियान आऊंगी। मामी, मैं चुपचाप आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मामी, हम दोनों दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आप प्लीज अब्दुल्ला के किए की सजा हम दोनों को मत दीजिए। मामी, मैं आपकी बेटी हूँ, हमेशा आपकी बेटी बन के रहूंगी। मेरी बेटी तो अब अब्दुल्ला से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। तुम अगर मेरी बेटी बनोगी तो क्या अब्दुल्ला से अपना ताल्लुक तोड़ लोगी, छोड़ दोगी अपना भाई? अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं रखूंगी। तुम्हारी माँ ने तो ये भी जरूरी नहीं समझा कि वो मेरे पास आती, अपनी सफाई पेश करती। नहीं मामी, वो आएंगी, बस शर्मिंदगी की वजह से नहीं आ रही। देखते हैं, अभी वक्त गुजरा नहीं है, तुम्हारी माँ की लॉयल्टी भी देख लेते हैं। कैसी होगी तियारा? ठीक हूँ बेटा। समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू करूं। इस अब्दुल्ला ने तो मेरी जैसे जबान ही छीन ली है। मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में कोई और प्लान है। मैं खुद अपने भतीजे की जगह किसी और को देख ही नहीं सकती। मैं जानती हूं कि बेटी की माँ के लिए ये सब कुछ सहना बहुत मुश्किल है।
करूं मैं? मेरे बस में दीपा को खुशियां देना रह ही नहीं गया। वो मेरी भतीजी ही नहीं, मेरी बेटी भी है। तुम देखना, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी जो है ना, वो खुशियों से भर देगा। मेरा बेटा बदकिस्मत है जो उसने उस फूल जैसी बच्ची की कदर ही नहीं की। मैं तो खुद ये चाहती थी कि ये दोनों बचपन की मंगनियां परवान चढ़े। मेरी माँ ने कितने अरमान से हम दोनों बहन भाइयों को इस तरह से जोड़ा था। कितनी ख्वाहिश थी उनकी के मोमना तुम्हारी और दीपा मेरी बहू बने। अल्लाह मियां तुम्हारी बेटी के नसीब भी अच्छे करेगा। याद है अम्मा कितनी दुआएं किया करती थी अपने पोते पोतियों के लिए। कितना अरमान था उन्हें इन बच्चों को दूल्हा दुल्हन बने देखने का। पर जिंदगी, जिंदगी ने वफा ही ना की कि वो ये खुशियां देख सके। काश के मेरा बेटा मेरे बस में होता। हैरत है। वो कैसे निकल गया तुम लोगों के दाम से? तुम लोगों की गिरफ्त तो बहुत मजबूत होती है ना मर्दों पर, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, बाप हो, शौहर हो या फिर भाई का बेटा। सब आपके गुलाम होते हैं। एक बात बताओ शहरबा, ऐसी कौन सी अदा है, कौन सा गुर है जो मर्दों को तुम्हारे पल्लू से बांधे रखता है? कितनी मोहब्बत बटोरते हो तुम लोग। ऐसा क्या करती हो जो मुझे नहीं आता? अपनी तमाम ईमानदारी और वफादारी के बावजूद क्यों मैं अपने शौहर काबू में नहीं कर सकी? क्यों मैं अपने बेटे से कोसों दूर रही कि तुम और तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के दिलो दिमाग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सको? क्यों मेरी बेटी के लिए क्यों रो रही हो? मेरी बेटी मुझ पे गई है और तुम्हारी बेटी तुम पे। मेरी बेटी को तुम्हारे खाक बेटे को अपने इशारों पर नचाना आया ही नहीं, लेकिन तुम्हारी बेटी ट्रेंड है ना, उसको तो पूरी पूरी तरबियत हासिल की है तुम लोगों से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गेतियारा? मैं तुम्हें मनाने आई थी, तुमसे अपना ताल्लुक जोड़ने आई थी और तुम मेरी बेटी को जलील कर रही हो। जलील? मैं तुम्हारी बेटी को जलील नहीं कर रही। केती आरा एक भूखे नंगे खानदान की बेटी, परचून वाले भाइयों की बहन, आज एक आला खानदान की तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के लिए रिजेक्ट करती है। तुम्हारे दिल में हमारे लिए इतनी रंजिश है? मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत है। मैं ना भूली हूं ना कभी भूलूंगी, एक लफ्ज नहीं भूलूंगी। और दाऊद को अपनी मोहब्बत मेरी नफरत पर कुर्बान करनी पड़ेगी। मैं जानती हूं तुम लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं है और तुम्हारी बेटी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर तुम चक्कर चलाकर मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा भी तो मैं अपनी बेटी को लेकर दाऊद की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। दाऊद अगर ये शादी करना चाहता है तो उसे हमें छोड़ना होगा। बाकी मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म।
मम्मी दाऊद ने आपसे कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं की आपसे आगे? वो बस हैरान खड़ा माँ को देखता रहा। जब मैं उठ के जाने लगी तो मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे पीछे आएगा, मगर ना वो मेरे पीछे आया ना अपनी माँ के पास गया, बस जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा, हैरान परेशान। वक्त कैसी चाल चल गया ना, गालिब को मखलूब और मखलूब को गालिब बना गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुदरत की तरतीब में मेरे लिए भी कोई वक्त ऐसा होगा कि जो मेरे सर को गेतियारा के सामने झुका देगा, जो मेरी झोली को गेतियारा के सामने फैला देगा और वो हकारत से उसे रद्द कर देगी। उस औरत ने तुम्हें रिजेक्ट किया जिसकी सारी जवानी मेरी खुशामद में तुम लोगों का मुंह धुलाते नहलाते और बहलाते गुजरी है। मोमना, आज के बाद अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी मां की इतनी सी भी इज्जत है ना, तो दाऊद को भूल जाओ, सोचना भी नहीं उसके बारे में, खुद को बहलाना अच्छी बात है मगर खुद को जलील करवाना जुल्म है। अगर वो अपनी मां के फैसले पर मर्द होकर एक कदम आगे नहीं बढ़ा सका तो तुम अपनी मां के लिए उसको भूल जाओ बेटा, सोचना भी नहीं उसके बारे में। अब छोटे खानदान की औरत थी ना, छोटापन दिखा गई, क्या समझती है वो उसके बेटे के बगैर तुम कुमारी मर जाओगी? जो लड़का तुम्हारे लिए अपनी माँ के मुंह से इतने तर्क जुमले सुनकर एक लफ्ज ना बोला, आगे चल के वो कौन सा अच्छा शौहर बन जाएगा? क्यों गई मैं माँ तुम्हारे लिए, क्यों गई मैं, क्यों गई मैं, क्यों गई? इससे अच्छा था मुझे कहीं रास्ते में मौत आ जाती, रास्ते में मौत आ जाती। प्लीज गुस्सा ना कर, आपका ब्लड प्रेशर आए रहने दे इन बातों को। मोमना, मेरे दिल को बहलाने की कोशिश मत करो, अपने दिल को दाऊद के पंजे से आजाद करा लो, क्योंकि अब अगर वो सोने का भी होकर तुम्हें ब्याने आया ना, तो मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं कराऊंगी। बहुत बेइज्जती हुई है मुझसे, जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की है। तो मैं अपनी कसम देती हूं, अब दाऊद से कोई वास्ता नहीं रखना, किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं रखना, उसकी शक्ल भी मत देखना। रुको प्लीज। क्यों? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। लेकिन मेरा दिल तुम्हारी शक्ल देखने का बिल्कुल नहीं चाह रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आई नो दैट।
प्लीज यहाँ कोई सीन मत क्रिएट करना। तो फिर ठीक है, मेरे साथ बाहर चलो कहीं पे। मेरी माँ ने मना किया है और मुझे भी अपनी माँ की इज्जत उतनी ही प्यारी है। उन्होंने भी मुझसे वही कुर्बानी मांगी जो तुम ऑलरेडी दे चुके हो। मोमिना, ये मंगनी मेरी तरफ से खत्म नहीं हुई। अच्छा, तो क्या इस मंगनी के खत्म होने का धूमधाम से एहतमाम करोगे? आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। तुम जानती हो कि ये मेरे बस में नहीं है। प्लीज मुझे अपना नया नंबर दो। कभी नहीं, क्योंकि ये मेरी माँ का हुक्म है। प्लीज मोमिना, प्लीज कुछ तो मेरी बात तो सुनो। मेरे पास वक्त नहीं है, मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना है। क्यों, वो क्या हुआ? आपके घर से जलील होकर आने के बाद से मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी है। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा है, वो अपनी जिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकी। और अगर मैं तुमसे मिल ली तो उनकी तकलीफ दुगनी हो जाएगी, जो कि मैं उन्हें हर किसी देनी चाहती। अगर तुम्हारा हमारे साथ कभी भी कोई भी रिश्ता रहा है तो आज के बाद मेरा पीछा मत करना। अम्मी, खाला, बस अभी आई हूँ बेटा। खाला मुझे बता दिया होता मैं आपको लेने आ जाती। तो मेरे देवर के बच्चे मुझे लेने आ गए थे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। बड़ी मुश्किल से छोड़ा यहाँ रहने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो अब रो नहीं, अल्लाह तुम्हें सब्र देगा बेटा। दाऊद से अच्छा साथी मिलेगा। आप ये बताएं, दो तीन दिन पहले तो आपने कोई जिक्र नहीं किया था, फिर ये अचानक। तुम्हारी अम्मा को तो पता था कि मैं हफ्ते में किसी भी दिन आ सकती हूं, अचानक ही फाहद ने भेज दिया। कैसा है वो? बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, मैं इतनी दूर से आई हूं, कोई खाने पीने का इंतजाम करो, कोई चाय कॉफी का पूछो। सॉरी, अभी लेकर आई। क्या कर रही हो? सब कुछ समेट कर वापस भेज रही है? सिर्फ सामान। यादों का क्या करोगे? उन्हें भी किसी डब्बे में डाल के बंद कर दूंगी। ऐसा कर पाओगे? क्यों नहीं। कैसे? जैसे दाऊद ने किया। उसे तो दिलजोई करने वाली मिल गई। कोई बात नहीं खाला, मैं अपनी दिलजोई खुद कर लूंगी। अगर तुम्हें कोई दिलजोई करने वाला मिल जाए तो? इतना हौसला किसी मर्द में नहीं है खाला, कि किसी दूसरे मर्द के लगाए हुए सपनों पे मरहम रखे। मेरे बेटे में है, मैंने आज ही उससे बात की थी, उसे कोई एतराज नहीं। शहरबानों से मैंने इसलिए बात नहीं की कि पहले तुमसे करना चाहती थी, कहीं तुम पे कोई प्रेशर ना डाले। मुझ पर तरस खा रही है खाला? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बहन और भांजी के दुखों पर खामोश तमाशाई बनकर नहीं खड़ी होना चाहती। मां दाऊद के घर में तो शादी के शादियाने बचे और मेरी बहन अपनी बेटी की खुशियों को तरस रही है। नहीं, मैं तुम्हारी शादी कहीं अनजाने लोगों में भी नहीं होने देना चाहती।
कहीं कोई तुमसे मंगनी टूटने का ना पूछे। ये भरोसा सिर्फ मुझ में है और मेरे बेटे में। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। आप कब आई? मुझे तो 2 हफ्ते हो गए आए हुए। अब आइए मिलने हैं। आए बैठे ना, बैठे आइए बैठो। किस चीज की मिठाई है ये? ये खुशी की मिठाई है। फहद की मंगनी कर दी। मुबारक हो पप्पो। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कहाँ की उसकी मंगनी? मोमिना से। सोचा बहन की बेटी है, अम्मी को भी बहुत पसंद है, कहाँ किसी गैर के घर में जाएगी। और फिर फहद भी खुशी खुशी राजी हो गया। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। ये सब चीजें उसके घर वालों ने वापस की। दाऊद ये तुम्हारी अमानत है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जहां मिठाई मुझे खुद लेकर जाएंगे। उम्मीद है गुजरे वक्त की कसर खत्म हो गई होगी। अब इन नए रिश्तों को नए रोग में बहने दो, पुरानी बातें भूल जाओ। मेरा अकलौता भाई था, उसके घर से ताल्लुक खत्म हो जाए ये अच्छा नहीं है। अल्लाह आपको आपके बच्चों की खुशियां देखने नसीब फरमाए और शहर वालों के बच्चों के नसीब भी अच्छे करे। देखो ना गीती आरा, बहुत अच्छा लगेगा जब हम कौमी खुशी ईद बकरीद पे एक दूसरे की शक्ल देखें और खुश हो। उम्मीद है कि आना जाना खत्म नहीं करूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा। सॉरी गीती आपा, इस दफा बहुत देर हो गई। अम्मी की वफात के बाद कुछ दिन वहां भी ठहरना पड़ा। मैं समझती हूँ, बहुत अफसोस हुआ उनके इंतकाल का। बहुत चाहती थी वो मुझे, मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं बचपन की उनसे। जी बिल्कुल, बहुत चाहती थी आपको। जब भी ससुराल में आपकी किसी परेशानी के बारे में सुनती थी ना, बहुत उदास होती थी। एक ही तो रिश्तेदार थी अम्मी की यहाँ, बाकी तो सब इंडिया में। बस देखिए ना आपा, पता ही नहीं चलता कि रिश्ते इतने भी गहरे थे। अब देखिए ना, आपकी और मेरी मुलाकात भी तो किसी और के यहाँ इत्तेफाक से हुई। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं चलो कम से कम एक बार से ही उनसे मिल तो ली, वरना जिंदगी की दौड़ में कहीं वो गुम हो चुकी थी और कहीं मैं। ये बताओ अपनी बहन का क्या करोगी? बस आपा, आज अपने घर लेके जा रही हूँ उसे। दुआ करें कि मेरे शौहर का मिजाज ठीक रहे, वो बहुत चिढ़ते हैं मेरे मैके से। एक तो पता नहीं हमारे खानदान की लड़कियां अल्लाह से शौहर और ससुराल की असीरी लिखवा कर क्यों आई हैं। खैर छोड़ो, चुपचाप पड़ी रहा करो, तुम्हारा भी वक्त आएगा, दौर बदलेगा, तुम भी हुकूमत करोगी मेरी तरह। जी अच्छा ये बताओ, कुछ कपड़े मुझे ब्लॉक प्रिंटिंग के बनवा दोगी? मतलब ऐसे के चंद एम्ब्रॉयडरी वाले, चंद ब्लॉक प्रिंटिंग वाले, कुछ मिक्स एंड मैच। दाऊद की बढ़ासे के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। पता नहीं कब मेरा बेटा वैसा होगा जैसा था, कब घाव भरेगा उसका। अब ऐसी भी खूबसूरत नहीं थी मोमना के उसके दिल से ही नहीं उतर रही। मम्मी आपने भी उसके जख्म खुले छोड़ दिए, कोई दवा तो की होती। लड़के लड़कियों की तरह साबिर नहीं होते। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है ये मैं ही जानती हूँ। मम्मी आप उसकी शादी कर दें, कोई बीवी ले आए उसके लिए, वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन मोमना की शादी से पहले पहले। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये मसला बढ़ गया ना तो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
आप उसके लिए कोई बीवी देखें जो उसकी जिम्मेदारी संभाले, फिर वो खुद ही उससे लड़ता फिरेगा, खुद ही संभाल लेगा। तो पागल तो नहीं होगी? पहले ही सारे खानदान में मेरा तमाशा बन रहा है, अब और तमाशा मत बनवाओ। तो आपसे कौन कह रहा है कि उसके लेवल की लड़की लाएं? कोई सी भी लड़की ले आए, यतीम मस्कीन गरीब, जिसका ना आगे हो ना पीछे, जो उसकी बेइज्जतियां भी बर्दाश्त करे और आपकी इज्जत भी करे, जो अपनी यतीमी के खौफ और दाऊद की दौलत के रोब में चुपचाप उसके साथ जिंदगी गुजारे और आपकी भी मर्जी के मुताबिक हो। हमने आपको बता रही हूँ, अगर हम अपने स्टैंडर्ड की कोई लड़की देखेंगे ना, तो दाऊद का उसके साथ गुजारा नहीं हो सकेगा। पर ये माने तो सही। मम्मी, आप ऐसे लोगों को चूज करें जिनको मोमना के लिए दाऊद की दीवानगी और ना रजामंदी के बारे में पता हो और वो इस पे एतराज भी ना करें और उसकी हर बेइज्जती को खुशी से बर्दाश्त करें। ये कमाल है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बाजार में ये लड़की मिल रही है, मैं खरीद कर लाऊं और अपनी बहू बना दूं। और फिर रस्मन ही सही, इसे अपनी शादी में जाना तो पड़ेगा ना, निकाहनामा तो साइन करना पड़ेगा। अब ये कोई स्कूल का एडमिशन तो है नहीं जो मैं जाके करवा दूं। मेरी बात सुने मम्मी, आप दाऊद को कह दें कि वो शादी कर ले, वरना हम यहाँ से जा रहे हैं। नायाब, जल्दी से इस्त्री कर लो, फिर रोटियां डाल देना। जी। नायाब, मास्टर साहब का फोन है, वो पूछ रहे हैं रेड ट्राउजर तो नहीं भूल गए यहाँ पे। पता नहीं आपा, मैंने तो नहीं देखा। जरा जल्दी से देखना। जी देखती हूँ। तुम्हारी ये बेहोशी किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। बहुत हो गया ड्रामा, मैं लगाऊंगा, सब पागल है। माँ अपनी औलाद के लिए हजारों कुर्बानियां देती है और कभी शिकवा नहीं करती। सिर्फ एक बार अपने बेटे से सहारा मांगा और हजारों बातें सुन ली। मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। चलो। कहाँ? मेरे साथ चलो। कहाँ लेके जा रही हैं आप मुझे? शहरबानों के घर। मुझे कहीं नहीं जाना। चलो मैं कह रही हूँ। लेकिन क्यों? मुझे शहरबानों से माफी मांगनी है, उन माँ बेटी के आगे हाथ पांव जोड़ने हैं ताकि मुझे तुम्हारा रिश्ता दे दे। मैं समझ रही थी कि मेरा बेटा जवान हो गया, मुझे अब किसी के आगे झुकने की दबने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। मैं कल भी अकेली थी, आज भी अकेली। तुम चलो मेरे साथ। रुक जाए, वहां जाने का कोई फायदा ही नहीं है, उसकी मंगनी हो चुकी है। एक बार चल के देख लेते हैं, अल्लाह करे मेरी गलती माफ हो जाए, वो वाहिद गलती जो मैंने अपने बेटे के सहारे पर की थी, मुंह खोलने की गलती। तुम चलो मेरे साथ। क्या चाहती हैं आप, मेरा और आपका तमाशा बने क्या वहां पे? मुझे नहीं जाना कहीं पे। तुम चलते हो या मैं अकेली चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को मेरी जिल्लत का एतबार ही ना। मैंने आपसे कहा कि मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना बस। तो फिर मैं अकेली चली जाती हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगी, रुक जाए। क्या चाहती हैं आप, अब क्या करेंगी आप? उसकी मंगनी तोड़वाएंगी और तीसरी बार मुझसे करवाएंगी आप? तो क्या करो, क्या करो फिर? सारी जिंदगी मैं तुम्हारी ताने सुनती रहूं, इस चीज की सजा भुगतूं कि मैंने तुम्हारी शादी नहीं करवाई? वो खुशोखुरम जिंदगी गुजारती रहे, मेरा बेटा जोग लेके फिरता रहे, तो मैं एक ही बार जाके उन माँ बेटी के हाथ पांव जोड़ लेती हूँ। तुम भी मुझे उनके कदमों में बिठा दो बाप की तरह, ताकि तुम्हारे दिल को सुकून मिले। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? मुझे जो मुझे बताइए, क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप, बताइए, बोलिए तो, बोलिए तो। दाऊद मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझ पे रहम करो, मुझसे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जाता, मुझ पे रहम करो,
इस घर की उदासी देखो, शादी कर लो दाऊद, खुदा के लिए शादी कर लो। हेलो जी, जी कहती है आपा, कैसी हैं आप? तुम कैसी हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा अलमास, इमदाद आ गए हैं? जी जी हाँ। मेरी बात करवा सकते हो एक मिनट उनसे? हाँ जी। कहती आपा का फोन है, आपसे बात करना चाह रही है। मेरे लिए? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। इमदाद, आपका कुछ वक्त मिल सकता है? जी मैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहिए। पर अभी और इसी वक्त अगर आप इजाजत दें तो मैं आ जाऊँ आधे घंटे के लिए। जी जी क्यों नहीं, आप जरूर आइए। ठीक है, फिर होती है मुलाकात। जी खुदा हाफिज़। इमदाद के घर आने का इंतजार कर रही थी। अब जाऊंगी बेटे का रिश्ता लेकर। देखिए इमदाद, अब आप ही उसके बड़े हैं। जकिया खाला जिंदा होती तो और बात थी, मैं उन्हें समझा सकती थी। अलमास से भी मैं कई दिन से ये बात कर रही हूँ, इसे समझा रही हूँ कि आजकल के लड़के नॉन सीरियस होते हैं। कल को वो शादी से इनकार कर दे फिर, अब उस सरसरी सी बात को लेकर आप लड़की को बिठाए तो नहीं रख सकते ना। और फिर माशाल्लाह आप लोगों ने तो दुबई चले जाना है, उसे किसके सहारे पर छोड़ के जा रहे हैं? देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लड़के के बारे में गौर जरूर कीजिए, रिजेक्ट ना कीजिए। अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे बेटे का उस लड़के से मवाजना जरा नामुनासिब बात है। देखें जी, हमसे तो इन्होंने हर बात छुपाई। मैं तो खैर गैर सही, लेकिन मेरे बेटे ने तो जिम्मेदारी ली थी, इससे ही मशवरा कर लेते और फिर आपको जवाब देते। अब आप खुद ही देख लीजिए हम दोनों की क्या हैसियत थी इनकी नज़र। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अम्मी ने ज़बान दी हुई थी, मैं उनके फैसले के खिलाफ कैसे जाती? इसी वजह से तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। देखिए अलमास की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर जकिया खाला जिंदा होती तो आप लोग खुद बताइए, क्या वो उस लड़के की खातिर मेरे बेटे को रिजेक्ट कर देते? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके बेटे के मुकाबले में तो उस लड़के की कोई हैसियत ही नहीं है, और कोई भी समझदार इंसान आपके बेटे को रिजेक्ट नहीं कर सकता। आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, और अगर मेरा ज़रा सा भी हक नायाब पे है तो इसका फैसला आपके ही हक में होगा। ये तो तुमने सुन लिया होगा कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, और वैसे भी हम अब पाकिस्तान में एक महीने के मेहमान हैं, तो ये रिश्ता ठुकरा कर किसके सहारे बैठोगी यहां? रात पे मुझे सिर्फ 3 साल का वक्त चाहिए। देखो नया, हमारे पास अब 3 माह का वक्त भी नहीं है। खुद ही सोचो, यहां कहां रहोगी, किसके घर पे पड़ी रहोगी? खुशकिस्मती ने इस बुरे वक्त में तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रख दिया। अब मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन बताती है, तो फिर क्यों उस महल को ठुकरा कर दर बदर की ठोकरें चुनती है? रही बात दिल की, तो दिल का क्या है, दिल तो एक बच्चे की मानिंद होता है, उसे समझाया जाता है, उसे चुप कराया जाता है, उसे बहलाया जाता है, और दिल को बुरे भले की तमीज सिखाई जाती है। रही बात जैद की, तो 3 साल क्या वो 3 सदियों में भी दाऊद जैसा नहीं बन सकता।
क्योंकि कुछ इंसानों में जमीन आसमान जितना फर्क होता है और वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बहरहाल अच्छी तरह सोच लो और हाँ मैं जवाब देना, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा है ही नहीं। नहीं, प्लीज आप उनसे बात करें, नहीं कर सकती ये शादी, प्लीज। ये क्या है? मंगनी का जोड़ा। किसकी मंगनी? तुम्हारी मंगनी की? मेरी मंगनी? किसके साथ? दाऊद के साथ। पापा, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं मैं जैद से मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत की एक्सपायरी डेट बहुत मुख्तसर होती है, जिसके सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती। पापा, मैं इस एक्सपायर्ड मोहब्बत के साथ ही ठीक हूँ, मैं गुजार लूंगी अपनी जिंदगी। मोहब्बत जब एक्सपायर हो जाती है ना, तो जहर से कम नहीं रहती। जान ले लेगी तुम्हारी जैद की गुर्बत। देखो, अगर किसी की आंखों के सामने कोई अच्छा ऑप्शन ना है तो अंधेरों में तो जिंदगी गुजारी जाती है, लेकिन जब अपने ही हाथों से खुशहाली का दर बंद कर देना तो ये पछतावा सारी जिंदगी के लिए रहता है। जैद की एक्सपायर्ड मोहब्बत सारी जिंदगी का रोग होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, खामोशी से अपने 3 साल के इंतजार की सूली से उतरो और ये कीमती जोड़ा पहन के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो, आप मेरे सोच से भी दम घुट रहे हैं। प्लीज, नहीं घुटेगा दम तुम्हारा, खुश नसीबी इस तरह बार बार से दस्तक नहीं देती। ऐसी जिंदगी तो ना मैंने जी है, ना अम्मी ने, और ना ही तो हमारे खानदान में साथ पुश्तों तो कोई लड़कियां ऐसी जिंदगी का ख्वाब ही देख सकती हैं। तुम्हारे लाख ठुकराने पर भी बार बार किस्मत वापस तुम्हारी तरफ चलती आ रही है। मैं तुम्हें ये बेवकूफी करने नहीं दूंगी। आपा, आपा तुम कैसे कर सकती हो ऐसा मेरे साथ? अपने सामने मुझे जहन्नुम की आग में कैसे झोंक सकती हो? प्लीज आप ऐसा मत करो मेरे साथ, इतनी बड़ी कीमत मत वसूल करो अपने घर रखने की। आप प्लीज मुझे अम्मी के घर छोड़ो, मैं वहां गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करना। दाद भाई तो मेरे कुछ नहीं लगते, तुम तो मेरी बहन हो ना। प्लीज आप ऐसा मत करना मेरे साथ, आप प्लीज। अरे ये सब तो वक्ती तकलीफ है। देखो, जैसे पहले तुम्हारे सामने कोई अच्छा ऑप्शन नहीं आया ना, इसीलिए तो तुम उसके बारे में सोचती रही। और देखो, ये मोहब्बत वोहब्बत जो होती है ना, ये कुछ भी नहीं होता। हम बस अपने दिमाग में एक आइडियल का खाका बना लेते हैं, उसे अपनी किसी फ्रेम में फिट करके कोई भी चेहरा जो मिलता जुलता हो ना, समझने लगते हैं कि हमें मोहब्बत हो गई उससे। अगर इस फ्रेम में जरा सा भी रद्द बदल किया जाए तो किसी का भी चेहरा फिट हो जा सकता है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, सेहत से मोहब्बत है तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं मर जाऊंगी। अरे ये मोहब्बत वगैरह, ये दिल विल कुछ नहीं होता। तो हम अपने दिल बहलाने के लिए खेल रचाते हैं, इनका हमारी हकीकी जिंदगी से कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है। अब तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? पागल लड़की, जैद जैसे लड़के तो दाऊद के ऑफिस में मामूली एम्प्लॉय की नौकरी करते हैं, तरसते हैं सारी जिंदगी के बॉस से कभी बात करेंगे। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है फर्क। अब मैं तुम्हें जहर देने से तो रही, किस्मत से इतने मुश्किल वक्त में इतना अच्छा हल निकला है, और इसे ठुकरा के मैं अपने शौहर को नाराज नहीं कर सकती, अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। कितनी मुश्किल से पहली दफा जिंदगी में उन्होंने मेरे मैके के मामले में कोई दिलचस्पी दिखाई है। तुम्हारे इस रवैये की वजह से मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। अभी तकलीफ होगी तुम्हें, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। दाऊद के पास बहुत दौलत है, और दुनिया में
दिल बहलाने का ऐसा कोई सामान नहीं है जो दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। चलो ये कपड़े पहन लो, अभी तैयार हो जाओ। आपा अरे आए ना, आए प्लीज, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए आओ ना बैठो। दाऊद ये अलमास है। अस्सलाम वालेकुम। ना आपकी बड़ी बहन। वालेकुम सलाम। और ये इमदाद की अम्मी है जी। तेरा बेटा। बैठो ना, बहुत जरूरी काम छोड़ के आया ना। अच्छा। मेरे घर से वापस जाना है, ना आपको ले आओ, फिर रस्म कर ले। जी जी बिल्कुल। चाय पियेंगे? नहीं थैंक यू, कुछ नहीं। और बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? सही है, इट्स गुड। वो मेरी पोस्टिंग भी दुबई में हो गई है, तो अगले महीने हम जा रहे हैं, इसीलिए हमें शादी की भी जरूरत। क्यों नहीं, मैं खुद इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबक दोष होना चाहती हूँ। 15 दिन के बाद की तारीख रख लें। क्यों दाऊ जी? तुम्हारी तारीख 15 दिन बाद की रख ले। जैसे आपकी मर्जी। चलो मुबारक हो। आपको भी। माशाल्लाह, बैठो। नाया ये दीबा है, दाऊद की बहन। मेरा ख्याल है रस्म कर लेते हैं आप। अंगूठी बना लो। रस्म है ना, पहनाओ। मुंह तो मीठा करके जाइए। नहीं थैंक यू, मैं मीठा नहीं खाता, मुझे देर हो रही है वैसे भी। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसकी मीटिंग होगी बहुत जरूरी है, उसमें से उठ के आया है ना। ठीक है दाऊद, तुम जाओ। आई मैं आपको छोड़ दूँ। अलमास, तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया? तुमने तो हमें जबान दी थी। हम लोगों ने वही किया जो हमें ठीक लगा। जिम्मेदारी उठाने के लिए तो कोई आगे नहीं बढ़ा, हक जताने के लिए आ गई यहां। अलमास, मैं तुमसे पूछ रही हूं, मुझे ये बताओ तुम अपनी मरी हुई मां की जुबान से फिर रही हो? अरे नायाब तो हमारी अमानत थी। ताई अम्मा, दरअसल हमें दुबई जाना है, इसमें जैद का इंतजार बहुत लंबा था। इस मुश्किल में हम इसका क्या करें? किस्मत से इसका बहुत अच्छा रिश्ता लग गया, मंगनी हो गई है, 2 हफ्ते बाद शादी है इसकी। लेकिन ताई अम्मा, पुरानी बातों को दोहराकर मामले को मत उलझाएं। ये तो आपके बच्चों जैसी है, इसे दुआएं दें कि अपने घर को जाए, खुश रहे वहां पे। अरे तुम्हें दुआएं दूं? तुम लोगों को दुआएं दूं? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि दौलत देख के नियत खराब हो गई? तुम लोगों ने जो हमारे साथ सलूक किया है ना, वो तुम्हें रास नहीं आएगा। मेरे बेटे की खुशियां छीन के खुश तुम्हारी बहन भी नहीं रहेगी। तुम ही बस कर, मां साहब हम लोग आ ही रहे थे, बस थोड़ी सी देर हो गई। आप प्लीज
प्लीज उन लोगों को जवाब देते। मैंने आपसे आज ही निकाह करके उसके अपने घर ले जाऊं। प्लीज हम लोगों के साथ ऐसा ना करें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई मजाक है क्या? हम ऐसा समझाए क्या? अच्छे भले लोगों को जवाब देके तुम्हारे हवाले लड़की कर दें? इस बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे करें हम? हमें अपने खुदा को भी एक दिन जवाब देना। जाओ यहां से अपनी फैमिली को लेके, निकलो यहां से। अगर इसके मंगेतर ने सुन लिया ना तो तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा देगा। बहुत ताकतवर आदमी है वो। चलो जाओ यहां से। जान जी जाए, आप भी जाए यहां से। ना, तुम लोगों की परवाह मत करो, हम दोनों अभी इसी वक्त शादी कर लेंगे। बोलो क्या कहती हो? बोलो ना आप, उनकी फिक्र मत करो, जवाब दो। ओए, तू हमारे सामने हमारी लड़की को बहका रहा है, निकल यहां से। जवाब दो ना आप, इनकी मत सुनो, जवाब दो मुझे। बोलो ना आप, बोलो ये देखें, दाऊद की शादी के लिए मैंने ये तीन जोड़े निकाले, ये रेड वाला उसकी शादी के लिए, ये ग्रीन मेहंदी के लिए और ये माइयों के लिए। ये तुम्हारे जहेज के जोड़े हैं ना, और सबसे कीमती और महंगे जोड़े हैं, तो शादी से पहले ये कपड़े क्यों पहन रही हो तुम? ओहो अम्मी, शादी के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी और फिर कराची एक दो बार ही आना होगा साल में। वैसे भी पता नहीं खानदान में फिर कोई शादी आए ना आए, ये खानदान की सबसे बड़ी शादी है, चाहती मैं सबसे अच्छी लगूं। अम्मी बाद में जहेज में भी ले जाऊंगी, कोई मसला नहीं। तो क्या जहेज में अपने पुराने कपड़े लेकर जाओगी? अम्मी पुरानी बातें हो गई हैं ये सब, एक बार पहनने से कपड़े पुराने थोड़ी हो जाते हैं। अम्मी मैं इस पीले जोड़े में अच्छी लगूंगी ना? मेरी बेटी तो है ही खूबसूरत। इधर आ, इधर आ मेरे पास। मेरी बेटी दाऊद की दुल्हन की माइयों से ज्यादा अपनी माइयों पे खूबसूरत लगेगी। क्या अम्मी, आप घुमा फिर आके फिर दाऊद की दुल्हन पे आ जाती हैं। बस मुझे ये बताएं, मैं सबसे अच्छी लगूंगी ना? मोमिना सबसे प्यारी लगेगी। कैसा लग रहा है मोमिना, नायाब को अपनी जगह पर देखकर? तो क्या हुआ भाई, अब नायाब खुद ही दाऊद की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देख लेगी। तुम्हें पता है नायाब, मोमिना दाऊद की पहली मोहब्बत है। इनकी बचपन से ही मंगनी हो गई थी, फिर झगड़ा हुआ और रिश्ता खत्म, वरना आज तुम्हारी जगह मोमिना होती। क्या था ना मोमिना, कि अगर मामा अब्दुल्ला की शादी वाली बात को इग्नोर कर देती तो आज नायाब की जगह तुम बैठी होती। जो हो गया सो हो गया, की बात है, डिस्कस करने का क्या फायदा? ओफो गुस्सा क्यों होती हो, फहद कौन सा यहाँ बैठे है जो सुन लेगा, हम तो आपस में बात करें। अच्छा बस करो, चलते हैं दाऊद आने वालों का। इसे कितना बड़ा हौसला है तुम्हारा यार, वैसे तुम ऐसे ही जल्दी कर रही हो, दाऊद तो आज आने वाला नहीं है। तो तुम बैठी रहो, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको, मैं भी आती हूँ। दुल्हन मुबारक हो कसम। आई थिंक हम मुबारकबादों का तबादला कर चुके हैं। अपनी दुल्हन के पास नहीं जाओगे? जाऊंगा,
जरूर जाऊंगा। आखिरकार मुझे भी तुम्हारी तरह अपने लाइफ पार्टनर के साथ सिंसेयर होना है। भूल गई थी, भूल गई थी कि तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर पाने की मुझसे भी ज्यादा चलती है। तुम शायद भूल रहे हो कि मंगनी पहले तुमने की थी। तो तुम्हें मुझे हराना था, इसलिए फटाफट शादी कर ली। इससे क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ सकता था अगर तुम थोड़ा सा इंतजार करते। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मामी ने तुम्हारी जल्दी शादी ना की होती, तुम्हें अकेला छोड़ा होता, तो शायद मैं इस मंगनी से निजात हासिल कर लेती। मेरे लिए इतना आसान नहीं अपनी जिंदगी में किसी और मर्द को जगह देना। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम फहद के साथ सिंसेयर। वो लफ्ज मैं तुम्हें नहीं, खुद को सुना रही थी। सिंसेयर होने में, मोहब्बत होने में बहुत फर्क होता है दाऊ। तुम्हें नजर नहीं आया कि तमाम ज्यादतियों के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद मैं तुम्हारे हिर के चक्कर लगाती रही? तुम्हें नजर नहीं आया कि मैं तुम्हारी पसंद के रूप में तुम्हारे सामने क्यों घूमती रही? तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी लेके मेरा दम घुट रहा है। किसी और को मेरी जगह कैसे दे सकता हूँ? काश कि तुमने शादी ना की होती। काश कि हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता, ये मंगनी मैं तोड़ देती, सब कुछ ठीक हो जाता। मम्मी ने तुम्हारी शादी करके अच्छा नहीं किया है। तुमने तो शादी कर ली, तुम्हारी जिंदगी तो ठीक हो गई, पर मैं अपनी जिंदगी में किसी और को तुम्हारी जगह कैसे दूं? बताओ मुझे, मेरे हिस्से की मोहब्बत थी, मेरे हिस्से की खुशियां थी सारी, जो वो ऊपर बैठी बटोरने आई है, वो सारे ख्वाब जो तुमने मुझे दिखाए थे, उसकी ताबीर वो देखने आई ऊपर, इसलिए कि वो तुम्हारी माँ की पसंद है, इसलिए कि वो करो रोना थोड़ा। शराब क्या बकवास लगा रखी है? उठो यहां से, उठो और मेरे कमरे से बाहर दफा हो जाओ। तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा मेरे कमरे से बाहर निकलो। गेट आउट, गेट आउट माय रूम, गेट आउट राइट नाउ। क्या बनाया जी? कुछ नहीं, वो कमरे से निकाल दिया।
तो इसमें रोने की क्या बात है? अरे इतना बड़ा घर है, इतने कमरे हैं, कोई अलमास की तरह दो कमरों का मकान थोड़े ही है जो तुम घबरा गई, किसी भी कमरे में जाके सो जाती। और मैं दिखाती हूँ तुम्हें तुम्हारा कमरा। ओह चुप तो करो। देखो मैंने तुम्हारी बहन को दाऊद के मिजाज के बारे में बता दिया था, मर्द साथ है ना, अभी घाव भरा नहीं है, भर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें दाऊद के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। अरे शौहर कहीं नहीं जाते, घूम फिर कर वापस बीवी के पास ही आते हैं। दाऊद को बहुत शदीद मोहब्बत थी मोमना से, मेरा साले बेटा मेरी वजह से अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया उसने। अब तुमने संभालना है उसे, उसकी दिलजोई करनी है। अच्छा चलो कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो और ठंडे कमरे में आराम से मजे से सो जाओ। तुम्हारे कपड़े तो दाऊद के कमरे में होंगे है ना? कोई बात नहीं, मैं दीवा के हाथ भिजवाती हूँ। आओ आओ ना, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। चला गया ये शख्स। शब्बीर, ओ लड़के शब्बीर। क्या हुआ शब्बीर, घर पे नहीं है? क्या बकवास है, मुझे कपड़े इस्त्री कराने थे, जरूरी जाना है मुझे अम्मी। तो तुम नायाब से इस्त्री करवा लो ना। ये आपने क्या नया सिलसिला शुरू कर दिया? सिलसिले की क्या बात है इसमें, तुम्हारी बीवी है उसे अपनी खिदमत का मौका तो दो। थैंक यू वेरी मच अम्मी, जब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं ये तवक्को नहीं करता कि वो मेरे लिए कुछ करे। दाऊद मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसे अपनी खिदमत का मौका दे दो एक बार। नायाब, नायाब। अम्मी रहने दे। नायाब दाऊद से ये कपड़े पकड़ो और इस्त्री करके लाओ, रोजाना जिम्मेदारी से कपड़े इस्त्री कर दिया करो उसके, ठीक है? जी। दाऊद, come on, let's dance. नहीं मैं डांस नहीं कर रही। भाई मेरी बेगम डांस नहीं कर रही तो मैं भी नहीं कर रहा। बस करो दाऊद, इतनी जल्दी भी जोरू के गुलाम नहीं बन गया। भाई मैं तो जोरू का गुलाम बनूंगा। मैं खुले आम कहता हूँ कि मैं जोरू का गुलाम बनूंगा। दाऊद खुद को संभो कर आंचल में जाने कहां वो खो गए। आंखें जब ये चार हुई शर्म से हम लोग जा रहे हैं। खुद को संभो कर आंचल में जाने कहां वो खो गए। मैंने ढूंढा उसको लेकिन कहीं मिली ना वो। सुनो अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो सकती हो। नो थैंक्स, मैं नीचे ही ठीक हूं। नाया बीवी कहाँ है? साहब वो नीचे है और उन्होंने बनवा के भेजे छे। उन्हें बुलाओ। जी सर। जी चाय बना दो प्लीज। अब
अपने लिए भी बना रहा हूँ। मैंने पी लिया। एक कप और पी लो, अपने लिए भी बना लो। अपने लिए नहीं बनाई तुमने? नहीं, मैं जितनी पी चुकी हूँ काफी। आप अपने कपड़े दे दें, मैं इस्त्री कर देती हूँ। इस घर में काफी लोग हैं मेरा काम करने के लिए। जी, लेकिन अगर मैंने आपके काम ना किए तो मेरे लिए जगह कम पड़ सकती है। सुनो, मैंने एक बात डिसाइड की है, जो कुछ भी हुआ उसको भूल के मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। सब बिटरनेस भुलाना चाहता हूँ। तुम भी भूल जाओ, इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, अम्मी ने ज़बरदस्ती शादी कराई है मेरी। मुझे लगता है किसी की भी शादी इस तरह ज़बरदस्ती करवाई जाए तो उसका यही रवैया होगा। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। क्या? यही कि मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। किसी से नफरत करने में जितनी अजियत होती है, उससे कहीं ज्यादा किसी की नफरत सहने से होती है। और आप उस अजियत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो जीते जी किसी पुतली की तरह इस्तेमाल होने से होती है। आप मुझे अपने पास रखकर गैर इरादी तौर पर मोमना से इंतकाम लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक जीता जाता इंसान हूं। और मुझे इतना बेजान ना समझे कि मैं वाकई बेजान हो जाऊं। मैं जानती हूं कि मैं बेबस हूं, आप लोगों के रहमो करम पे हूं, लेकिन मुझे इस तरह इस्तेमाल होने से तकलीफ होती है, इसलिए मुझे वहीं रहने दें जहां मैं रह रही हूं। वालेकुम सलाम। आ गए तुम? आप तैयार नहीं हुई? हाँ, मैं बस हो रही हूँ तैयार। दाऊद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम्हारा मूड हो तो। ठीक, आओ बैठो। घर पे कोई नहीं है। नायाब और दीबा दोनों पार्लर गई हैं, आई नहीं अभी तक। इधर आओ। क्या ये? आज मोमना की शादी है, तुम्हें बहुत बहुत अजियत हो रही होगी। I'm sorry बेटा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतनी अजियत हो। नहीं जानती थी कि मेरी मनमानी तुम्हें इस तरह वीरान कर देगी। सफर करोगे मैंने नहीं सोचा। लड़कियां फ्लेक्सिबल होती हैं, हालात के मुताबिक खुद को चेंज कर लेती हैं, कि मर्द अपने साथ की तरह मजबूत और अटल होता है अपने जज्बात में। जितनी तकलीफ में हो ना, मुझे भी उतनी ही अजियत। मुझसे तुम्हारा ये हाथ देखा नहीं जाता। प्लीज खुद को नॉर्मल करने की कोशिश तो करो। अच्छे भले संभल गए थे तुम। मैं नहीं जानती थी कि मोना को नॉर्मल देख कर भी तुम अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पाओ। आप अच्छी लड़की, बहुत प्यार करने वाली, तुम्हें समेट लेती, तुम्हारे दुख का मदावा बन सकती है। मियाँ बीवी होते हैं ना एक दूसरे के दुख का मदावा, एक दूसरे के लिए मसला भी खुद ही होते हैं और मसले का हल
मोमना ने भी तो अपने दुख का ददारक बाहर निकल लिया है। नायाब ने मेरे पेट में जख्मों का इलाज ढूंढा। She is not interested. आपकी नायाब आपके बेटे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैंने कोशिश की कल रात भी सुबह भी पैचअप करने की। उसको लगता है कि मैं मुन्ना से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको साथ रखा हुआ है। इनफैक्ट उसको मेरा ये कहना भी बहुत बुरा लगा। अगर तुम मेरे साथ बहुत अनकंफर्टेबल हो तो हम इसी तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं। बट वी ऑल्सो हैव अ चॉइस। देखो मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता हूं, एक नए रिश्ते, एक नए समझौते के साथ। मैं अपनी दिल की बेचैनी और सन्नाटे से तंग आ चुका हूं। सपना चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, यह इंसान गम मनाते मनाते थक जाता है। मैं भी थक गया हूं। इंसान ना ही वफादार हो, लेकिन दिल चाहता है कि अगर आपको कोई गम देने वाला है तो उसके साथ कोई गम बांटने वाला भी हो। मैं जानता हूं ना, ऐसे का भी प्यार बांट चुका हूं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें तो जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। तुम कैसे हो?
मैं ठीक हूँ। आजकल आप लोग पाकिस्तान में हैं? हाँ, मैं मुस्तकिल आ गया हूँ। जाहिर है, अब तो तुम्हें यहीं रहकर अच्छा लगेगा। ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं आऊँगा किसी दिन मामी से मिलने, बहुत सारी माजरतें करनी है उनसे, तुमसे भी मिलना। हाँ ज़रूर आना, और अपनी बीवी को भी लाना। नहीं, मैं आऊँगा सिर्फ, अब वो मेरे साथ नहीं। बेबी, क्या हो रहा है? हाँ, क्या देख रहे हो? क्या ओए 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 क्या? अच्छा चलो एक पिक्चर लेते हैं बाबा के साथ। पिक्चर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सुनो, इधर आओ। एक पिक्चर लेते हैं। कहाँ देख रहा है ये? मोमिना, तुम? देर हो गई आए थे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आई मीन पाकिस्तान में कब आई? मैं तो काफ़ी दिनों से आई हुई हूँ। इनफैक्ट मामी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया नहीं? नहीं तो आए बैठे। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है। आप दोनों को बेटा बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आई हैं। हाँ, बस वो फहाद के आने का इंतज़ार करती रही, वो टाइम ही नहीं निकाल सके तो फिर खुद ही आ गई। आपको तो पहले ही आ जाना चाहिए था। बस मुझे बहाने से रोकते रहे कि साथ चलेंगे साथ चलेंगे। तुम्हें तो पता है ना शोहरों की ब्लैकमेलिंग, कि मेरा ख्याल कौन रखेगा, मैं अकेला रह जाऊँगा वगैरह वगैरह। सेम फहाद भी। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ, इन लोगों से बातों में लग गई थी। हेलो मोमना। हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ऐसे मुझे दे दें, उसके दूध का वक्त हो गया। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं देखता हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था कि दाऊद बच्चा भी संभाल सकता है। घर पे होते हैं तो वही ख्याल रखते हैं, उनको तो जैसे खिलौना मिल गया खेलने के लिए। दरअसल बच्चे के मामले में बहुत पोजेसिव है दाऊद, मैं आप पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। क्यों, माँ पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते? मोमिना, भला तुमसे ज्यादा अच्छा दाऊद को कौन जानता होगा? तुम्हें तो पता होगा ना कि दाऊद अपने बच्चों को कैसे पालना चाहता था। दरअसल दाऊद का स्टाइल बिल्कुल गोरों की तरह है, वो खुद जितना ऑर्गेनाइज है चाहता है बच्चा भी इसी तरह से पले। उसके सोने का टाइम हो, उसके उठने का टाइम हो, उसके खाने का टाइम हो, और अब ये बातें तो इस बेचारी को नहीं पता ना। ये क्या जाने टाइमिंग का हिसाब किताब। मैं आप लोगों के लिए चाय ले आती हूँ। अम्मी, वैसे आपने मेरे भाई के साथ बहुत जुल्म किया, पता नहीं कहाँ फंसा दिया उसको। मम्मी, आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। तुम एक बार फिर खुद को उस दलदल में गिराना चाहती हो? एक बार फिर? मम्मी, मैं कभी उस दलदल से निकली ही नहीं, और फिर क्या पता अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया हो, अब्दुल्ला की शादी मेरा दिल जोड़ने के लिए टूटी हो। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो तुमसे शादी कर लेगा। लेकिन मम्मी, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, अगर हम उनके करीब रहेंगे तो उनकी नजरों के सामने रहेंगे। जो कुछ हम उनके साथ कर चुके हैं वो कोई नहीं भुला सकता।
मम्मी सब भूल चुके हैं, आप भी भूल जाएं प्लीज। आपको दाऊद का दुख नजर आता है लेकिन आप मेरे बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होती। मम्मी सब खुश है सिवाय मेरे, प्लीज आप भूल जाएं प्लीज। मम्मी मोमना, क्या बात है? कैसे? यार अभी रात ही को तो हमने इतनी गॉसिप्स किए, अब क्या हर चार घंटे के बाद एक दूसरे की खबर लेते रहेंगे? ओके ओके, तो मैं फोन रखती हूँ, तुम्हें खामखा डिस्टर्ब किया। यार तुम्हें पता तो है ऑफिस के टाइम बहुत बिजी होते होंगे इस वक्त। हाँ बस वो तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था इसलिए फोन मिला लिया। अच्छा मैं रात को कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। होश में तो हो तुम? क्या कह रहे हो ये? और अब क्यों कह रहे हो? अब्दुल्ला ये वो रिश्ता है जिसे हम रो पीट के दफना चुके हैं। मैं जानता हूं मम्मी, जो कुछ भी हुआ सब कुछ पता है मुझे, लेकिन अब सब कुछ ठीक भी तो हो गया है। सब अपने अपने घरों में वापस बस चुके हैं, बस एक मैं ही हूं जो अपने गुनाहों की सजा अभी तक भुगत रहा है। और मेरे साथ वो लड़की जिसने मुझसे मोहब्बत करने के अलावा दुनिया में आज तक कुछ किया ही नहीं। मम्मी मुझे कहीं ना कहीं तो शादी करनी होगी ना, क्यों ना मैं दीबा से शादी करके अपने दिल का बोझ ही हल्का कर लूं। आसानी से फैसला कर लिया तुमने, कितनी जल्दी फतवा दे देते हो तुम अब्दुल्ला। कभी सोचा है इस दौरान मैं किस अजाब से गुजरी हूँ? कहा ना सब चीजों का अंदाजा है मुझे, बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का। और ये कहां का इंसाफ है कि अगर तुम्हारी शादी दाऊद से नहीं हो सकी तो इसकी सजा में दीबा को भी मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए? देखो तुम अपने शौहर के साथ खुश हो और दाऊद अपनी बीवी के साथ खुश है, मम्मी मैं भी अब खुश रहना चाहता हूँ। मैंने ये वक्त हिना के साथ बहुत अजियत से गुजारा है, मैं अब किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसे मुझसे मोहब्बत हो, जो मुझे समझ सके, मुझे समेट सके। मुझे अब किसी और लड़की के नखरे बर्दाश्त नहीं है, प्लीज। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था दाऊद ऐसे रिएक्ट करेगा। कल से उसने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, हम दोनों से बातचीत बंद कर दी है, तो टस से मस नहीं हुआ। मानेगा भी कैसे, उसके तो सारे जख्म वैसे के वैसे ही हरे हैं ना। मैं इस खुशफहमी में रही कि वो सब कुछ भुला चुका है, लेकिन उसे तो सब कुछ याद है। वो कहता है अगर ये शादी हुई तो वो खुद को आग लगा लेगा। जाहिर है तुम लोगों के मुजरिम तो सीधे सीधे हम ही हुए ना। दीबा की वजह से तुम लोगों की शादी नहीं हो सकी और अब दाऊद की वजह से दीबा की शादी नहीं हो रही। प्लीज तुम दाऊद से बात करो। मैं? हाँ तुम। हाँ और अगर वो ना माना तो? नहीं मोमना, वो तुम्हारी किसी भी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसके रिएक्शन से साफ जाहिर है कि वो भी तुम्हारी भी तरफ है। हो सकता है उसने कोई अपनी जिद बना ली हो।
नहीं, ये जिद का फैसला नहीं, मोहब्बत के जिया का है। आ सकती हूँ? ये ऑफिस तुम्हारे तकल्लुफ का आदि नहीं है, आओ। क्या लोगी? चाय, कॉफी? कॉफी। लो कॉफी भी जाओ। मोमिना, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आई हो। जब जानते हो तो फिर हाँ भी कह दो, घर बस जाएगा अब्दुल्ला का, तुम्हारी बहन का। वो लोग घर नहीं, अपना अपना दिल बसा रहे हैं। हमें अलग करके, हमें उजाड़ के खुद एक होने जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है, किसी को अपने किए की सजा दिलवा कर खुद जन्नत मांग रहे हैं। इट्स इम्पॉसिबल। तो उनकी शादी ना करवा के तुम्हें क्या फायदा हुआ? वही जो हमारी शादी ना करवा के उन्हें फायदा हुआ था। दाऊद, ये उन लोगों की खुशकिस्मती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ होने के लिए अकेले हैं। तुम अपनी और मेरी बदकिस्मती की सारी कसर उनसे मत निकालो। और वैसे भी हम लोग कौन से एक दूसरे के साथ सच्चे थे? क्या था जो तुम खामोशी से मंगनी तोड़ के चुपचाप बैठे रहते? क्या जरूरत थी तुम्हें सर पे जहरा सजाने की? क्या जल्दी थी मुझे दुल्हन बनने की? अब जबकि हम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, तो तुम हम लोगों को भी खुश रहने दो। तुम इसे खुशी कहती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूं? हम लोग सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो ये फराइज हम लोगों ने खुद अपने अपने जिम्मे लिए हैं। तुम इसका बदला अपने बहन भाइयों से मत निकालो।
तुम्हारी सास का फोन है। जी। मुबारकबाद दे रही है बेटा। जी। सामिक मुखाला। जी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ वलीमा भी करेंगे, आप तो जानती हैं अब्दुल्ला को, सादगी से ही करेंगे। जी 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 जरूर। जी फहार आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तो आई हूँ मैं। नहीं नहीं अभी कुछ दिन मैं अपनी भाभी के साथ गुजारना चाहती हूँ, आ जाऊंगी कुछ दिनों बाद। जी ओके लव यू टू। मोमना बाहर आओ, बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी जल्दी तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? इस दुनिया में कोशिश करने से कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। जब हमारी शरीयत हमारा मजहब हमें इजाजत देता है, तुम्हें पूरा हक है कि तुम खुला मांग सकती हो और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती हो। फिर क्या प्रॉब्लम है यार, उसे कहकर तो देखो। यानी तुम चाहते हो कि मैं फहद से तलाक मांगू, फहद मुझे तलाक दे देगा और उसके बाद मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी बीवी की सौकन बनके हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगूं। बहुत बेवकूफी की बात है, दुनिया वाले मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। आई डोंट केयर यार दुनिया वाले क्या करेंगे, और तुम्हें किस चीज की परवाह? क्या दुनिया वाले साथ थे हमारे जब हमें प्रॉब्लम थी यार? क्या इन्होंने हमारे साथ सफर किया? तो फिर तुम्हें इनकी फिक्र क्यों है यार? और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फहद भी कोई गैर नहीं है कि जिसे जब चाहा मैंने अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। मेरी खाला का बेटा है, रिश्तेदार है मेरा, खानदान में कोई तो शक्ल दिखाने के काबिल रहूं मैं? मोमना वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ सेटल हो जाएगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो बात खत्म, हम वही करेंगे जो हमारे लिए ठीक है। और मोमना हमारे मजहब में इस चीज की इजाजत है। तुम प्लीज तुम जाके फहद से बात तो करो, वो बाहर रहा हुआ है, वो अंडरस्टैंड करेगा हमारा प्रॉब्लम। टेल हिम दैट यू लव मी, सिंपल। ठीक है, अगर इतना ही आसान है तो तुम पहले अपनी बीवी को तलाक क्यों नहीं दे देते? अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लड़की मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, एक जिम्मेदारी है जिसे मैं जबरदस्ती निभा रहा हूँ अम्मी के कहने पर, और वो भी मैं ज्यादातर पैसों से ही निभाता हूँ। शी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। अगर मेरा बेटा ना होता तो मैं उसको तलाक देने में एक लम्हा ना लगाता। यानी तुम तलाक नहीं दोगी और हमेशा की तरह मैं ही कुर्बानी दूंगी, मैं ही जलील होंगी सबके सामने। यार मोमना उसका आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरा बच्चा सफर करेगा, वो दर बदर हो जाएगा अपनी माँ के बगैर। बहुत हमदर्दी है तुम उस लड़की से, और मैं अपने बेकसूर शौहर को क्या कह के तलाक मांगू?
ना मुझे उस लड़की से हमदर्दी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ इस मसले का क्या हल है। बताओ, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा, बस मेरा बेटा सफर ना करे। तुम्हें तुम्हारे बच्चे का ही मसला है ना। ठीक है ना यार, तुम्हारा बच्चा हम रखेंगे, फारिग कर उस लड़की को, ताकि वो भी जहाँ जाना चाहे जाके अपनी नई सिरे से जिंदगी शुरू करे। बच्चा बहुत छोटा है, अपनी माँ के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। He's too young. जब बड़ा हो जाएगा ना तो अपनी माँ से दूर करना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब तुम ये स्टेप उठाने को तैयार हो जाओ, उस दिन मुझसे सवाल कर। मैं दूसरी शादी कर रहा हूं और उसके लिए जरूरी है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। उन्हें अभी बहुत छोटा है, तुम अभी से खुद को उससे अलग कर लो, ना तुम्हें तकलीफ होगी और ना ही उसको। मैं उसको तुम्हारे साथ जाने देता, लेकिन तुम उसे पाल नहीं पाओगे। वैसे भी मेरा बेटा किसी और के रहमो करम पे पले, मुझे गवारा नहीं होगा। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। मैं बाप के होते हैं वो दर दर की ठोकरें खाए नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं हमारी डिवोर्स से पहले ही तुम अपना बंदोबस्त कर लो। तुम अपनी बहन से बात कर लो। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें इस घर में रख सकूं, लेकिन मुझे किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। इसलिए हम तलाक दे रहे हैं। तलाक दे रहे? क्यों? वो दूसरी शादी कर रहे। दूसरी शादी? किससे? मैंने नहीं पूछा, लेकिन कोई अंधा गूंगा बहरा भी बता सकता है कि वो कौन हो सकती है। मोमना अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है, वो शादी कैसे कर सकती है? आंटी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो मोमना ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। मोमना के अलावा ना किसी के थे ना हो सकते। वो उन्हें मुझसे शेयर नहीं करना चाहती, तब तक उनसे शादी नहीं करेगी जब तक वो मुझे नहीं छोड़ दे।
आंटी उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम कोई और ठिकाना देख लो। आंटी वो मुझे हद को छीनना चाहते हैं मुझसे। बहुत छोटा है, मेरे बगैर कैसे रहेगा? मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? प्लीज मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर। अच्छा आंटी उन्हें प्लीज ये जुल्म ना करने दे। मैं करती हूँ उससे बात, मुझे बात को समझने तो दो ना। तुम बैठो ऊपर बैठो, मैं करती हूँ उससे बात। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी दाऊद। फिर मैं मिला आपको। माएं अपने बच्चों को ढूंढ ही लेती हैं। मैं जानता हूं आज आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं। लेकिन तुम मेरे सवालों का जवाब ये सोचकर मत देना कि मुझे कोई एतराज होगा। जिंदगी अगर तुम्हें मेरी गलती सुधारने का मौका दे रही है तो मुझे कोई एतराज नहीं। कम अज कम तुम खुश तो रहोगे ना। आपको पता है मैं किसे शादी कर रहा हूं? मुमना से। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या समझते हो तुम, मुझे तुम्हारी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं है? दाऊद मैं इनसिक्योर हो गई थी। तुम दोनों की मोहब्बत की गहराई का मुझे अंदाजा नहीं था। मैं समझती थी आहिस्ता आहिस्ता ये जख्म भर जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि ये नासूर बन जाएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कहती है वो, कैसे मुमकिन होगा ये? वो कहती है कि पहले मैं नायाब को तलाक देके उसे घर भेजूं, फिर वो फहद से तलाक लेगी। और हुनैद? हुनैद पे तो उसको कोई एतराज नहीं है, बस नायाब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहुत छोटा है अभी हुनैद, और नायाब पर भी ये जुल्म होगा। वो कहां जाएगी? उसकी बहन भी दुबई में रहती है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। बड़ा जुल्म होगा एक बच्चे के साथ, उसकी माँ के साथ। अपनी मोहब्बत पाने के लिए तुम एक बच्चे से उसकी माँ मत छीनो, वरना वो बड़ा होकर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसी बात ने तो परेशान किया हुआ मम्मी। जानता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है, तभी तो परेशान। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक मशवरा दूं तुम्हें? कहिए। तुम मुमना से बात करो, उसे अलग घर खरीद कर दे दो। तुम शादी करके अलग रहना और मैं यहाँ हुनैद और नायाब के साथ रहूँगी। इस तरह नायाब पर भी कोई जुल्म नहीं होगा और हमारा बच्चा भी अपने बाप के घर अपनी दादी के साए में पलेगा। तुम सुकून से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकोगे। बेटा मुमना तुम्हारी बीवी बन सकती है, हुनैद की माँ नहीं। तुम मेरी तरह अपने बेटे पर जुल्म मत करो। मुमना नहीं मानेगी, आई नो। बेटा तुम उसे बात करके तो देखो, तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम कभी नायाब के पास नहीं जाओगे। वो सिर्फ तुम्हारे नाम की बीवी होगी। हुनैद को मैं ले आया करूंगी तुम्हारे पास मिलवाने के लिए। देखो मेरा वादा है, जब भी तुम दोनों यहाँ आओगे या जब भी तुम आओगे, नायाब तुम्हारे सामने नहीं आएगी। हेलो।
ठीक है। सिर्फ ठीक कहते तो कुछ और देख लो। ठीक है श्योर मैं से बात करूंगा। तो इसको यार प्लीज बंद करो। हम लोगों को कुछ देर के लिए बिल्कुल गूंगे बहरे हो जाना चाहिए, बिल्कुल बेहस। अब बाकी का घर देखते हैं। दाऊद प्लीज। क्या हुआ मोहन, हम लोग इतने भी अजनबी नहीं हैं यार। इंसान जब कोई बड़ा गुनाह करने जा रहा होता है, छोटे गुनाहों से बचकर अपने ज़मीर को मुतमईन करता है। अपनी मर्जी से शादी करना कोई गुनाह नहीं है। किसी को दुख देना तो गुनाह है, किसी का दिल तोड़ना तो गुनाह है। मोमिना खुद को दुख देना सबसे बड़ा गुनाह है। तुम मुझे बताओ तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? चाहती हूँ। तो किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती ना, प्लीज तुम सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो। हम दोनों को हमसे ज्यादा और कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। किसी को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी हमने सही है। तो सुनी मैंने, दिल के हाथों मजबूर होके कॉल कर ही ली थी, तो बंद करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा तुम्हें मनाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा। मुझे इतनी लंबी नाराजगी तुमसे मेरी कभी नहीं हुई मेरी जान। अच्छा ये बताओ कब आ रही हो? बहुत दिन हो गए यार तुमसे बात किए हुए, तुम्हारा चेहरा देखे हुए। बहुत मिस करता हूँ तुम्हें मैं। लेट्स डू अ थिंग, स्काइप पे आ जाओ, फेस टू फेस बात करते हैं। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो है। आई वांट टू सी यू। क्यों? आजकल कोई और काम नहीं है जो मैं याद आ रही हूं? एक बात याद रखना, मैं उन बीवियों में से नहीं हूं जो अपने शौहरों के फारिग औकात का वेट करती हैं। मोमना बस करो यार, दे दो दी तुमने सजा। सजा तो तुमने बना दी मेरी जिंदगी, अब मैं मजीद ये सजा नहीं काट सकती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मोमना गुस्से में भी ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करते। मैं गुस्से में नहीं हूं, अपना हक इस्तेमाल कर रही हूं। तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती इसलिए मुझे तलाक दे दो। दिमाग तो ठीक है, ये क्या तरीका है? अरे क्यों तुम अच्छे भले अपने घर को बर्बाद करने पे तुल गई हो? फहद वहां बेचारा बैठा अपनी गलतियां गिन रहा है, सारी रात तुम्हें कॉल्स करता रहा है, सारी रात मुझे कॉल्स करता रहा है। हो क्या गया है तुम्हें? जवाब दो ना। अम्मी मैं बस उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। अच्छा अब याद आ रहा है तुम्हें, शादी के 1.5 साल बाद? जो भी हो मैंने फैसला कर लिया है, मैं उससे बस तलाक चाहती हूँ। क्यों खुद को उजाड़ रही हो? इतना चाहता है फहद तुम्हें, अरे जरा सोचो तो सही।
तुम्हारी खाला ने और फहद ने उस वक्त तुम्हें सहारा दिया जब दाऊद तुम्हें छोड़ चुका था। ऐसा कुछ नहीं अम्मी, मजबूरी थी वो दाऊद की। जो भी था, उसने तुम्हें छोड़ा, अब वो खुश है अपनी बीवी और बेटे के साथ, उसकी बहन तुम्हारे भाई के साथ खुश है। तुम तलाक लेके कहां जाओगी, क्या करोगी? वो छोड़ रहा है अपनी बीवी को, बल्कि वो अलग घर में शिफ्ट भी हो चुका है, वो घर जहां हम दोनों शादी करके बाद में रहेंगे। क्यों बकवास कर रही हो तुम? फहद से तलाक लेके तुम दाऊद से शादी करोगी? जी जी, मैं उससे शादी करूंगी, और क्यों ना करूं अम्मी, जब अब्दुल्ला अपनी शादी तोड़ के दीपा से शादी कर सकता है तो हम दोनों अपनी अपनी शादियां तोड़ के एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर सकते? मोमना, अब्दुल्ला की शादी खुद ब खुद टूट गई थी, दीपा अकेली थी उस वक्त, पर तुम जुल्म कर रही हो मेरी बहन के साथ, दाऊद की बीवी के साथ, उसके बेटे के साथ। दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं और दाऊद अपनी अपनी माओं की खातिर जो कर सकते थे कर चुके, अब मामी को भी एहसास हो गया वो हमारे साथ हैं। अरे उसकी तो फितरत है ससुराल को डसना, और उसका क्या जाता है, वो तो बेटे की माँ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपना सर किसी के आगे उठा ही नहीं सकूंगी कभी, ना बहन के आगे और ना ही खानदान में। बेटा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ मोमना, इस उम्र में मुझे ये रुसवाई मत दो। अरे यतीम बच्ची है दाऊद की बीवी, मत करो उसके साथ ये, मत लो उसकी बद्दुआएं, तो सर उठा के चलने के काबिल ही नहीं रहोगे। थूकेंगे लोग मेरे ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी। मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। सर वो इंश्योरेंस कंपनी से शकुर साहब आए। हाँ हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं उसको भेज दो अंदर। ठीक। इंश्योरेंस कंपनी से क्यों आया कोई? वो एक्चुअली मैंने लोन अप्लाई किया था तो उसकी इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गई, आई डोंट नो व्हाई। मैंने कहा घर पे आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं, अपना ही बंदा है, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह आए बैठे, क्या हुआ भाई? सर ये आपकी मेडिकल फाइल, आपने जितने भी टेस्ट करवाए थे सबकी रिपोर्ट्स खतरनाक हद तक खराब हैं। आपकी लाइफ हाई रिस्क पर है। हाई रिस्क पे मेरी लाइफ? हाँ वैसे लाइफ हाई रिस्क पे तो है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सर प्लीज इस चीज को सीरियस लें और वक्त जाया किए बगैर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप कहते हैं तो कर लेंगे, बट थैंक यू वेरी मच सर। नहीं फरासत मेरी कज़न नहीं है। पर अच्छा होता अगर आपकी वाइफ इस वक्त यहाँ मौजूद होती। अमूमन ऐसे मौक़ों पर बीवियाँ शोहर की तकलीफ बांट लेती हैं, बल्कि बीवियाँ तो शोहर को लगने वाले इंजेक्शन को भी ऐसी फील करती हैं जैसे उन्हें लग रहा हो। वो मेरी और उसकी सेपरेशन हो चुकी है। ओह, तो फिर कोई और
मेरा मतलब है भाई बहन या कोई ऐसा जो आपसे ज़्यादा क्लोज हो। एक्चुअली आपकी हेल्थ की कंडीशन ऐसी है कि जिसे सुनकर कोई भी पेशेंट पैनिक हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जो आपको संभाल सके। डॉक्टर साहब आप कहिए, मैं हूँ इनके साथ, इनकी मम्मी है और ये खुद भी बहुत स्ट्रांग है, आप कहिए। आप मुझे ये बताइए कि मुझे बीमारी क्या है, क्या इसका कोई क्योर है, और जो भी डिजीज है इसके ठीक होने के कितने चांसेस हैं? आपको लीवर कैंसर है, आपके ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा है, एक टेनिस बॉल के साइज जितना, जिसके टोन्स बुरी तरह फैल रहे हैं, और अमेरिका हो या पाकिस्तान, इसका एक ही इलाज है, एक ही दवाई जो आपने खानी है, और आपका मर्ज उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां इसे ख़त्म करना मुश्किल है, बस सिर्फ मेडिसिन के ज़रिए इसको स्लो किया जा सकता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। अमेरिकन डॉक्टर्स और हमारा मुत्तफ़िका फैसला यही है कि आप जल्द अज जल्द मेडिसिन शुरू कर दें। मेरे पास वक्त कितना है? अल्लाह पे भरोसा रखें, टाइम उतनी होगा जितना वो लिख चुका है, हमारा काम है इलाज करना। आप कल आ जाएं, मैं मेडिसिन मंगवा लेता हूँ, इलाज शुरू करते हैं, बाकी आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। मेरे पास टाइम कितना? यही कोई तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। हाँ, पहले बताया नहीं जाता था लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब पेशेंट को बता दिया जाता है, और वो काम ख़ास तौर से जो सिर्फ वो खुद कर सकता है। you know, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी इम्पोर्टेंस होती हैं हमारे रिश्तेदारों की, कुछ लोग हम पे बहुत डिपेंड करते हैं, उन लोगों को सही हाथों तक पहुंचाना, अपनी सिमटी जायदाद समेट कर उसके असल वारिस तक पहुंचाना, वगैरह वगैरह। मतलब है बाहर तो उसका इलाज हो सकता है ना? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कह रहे हैं कि कैंसर पूरी तरह से फैल गया। गीतियारा को पता है इस बात का? दाऊद ने किसी को भी बताने से मना किया, मगर क्यों? ऐसे वक्त में तो अपनों का साथ चाहिए होता है, ऐसे कड़े वक्त अपनों के बगैर नहीं गुजरते हैं। उसे अपनी मां को बताना चाहिए, उसे उसे अपने घर चले जाना चाहिए। मेरा ख्याल में वक्त आ गया है कि तुम दोनों अपने अपने घरों की तरफ लौट जाओ। मेरा मुंह क्या देख रही हो मोमना? तुम अगर अब भी उसके साथ जुड़ी रहोगी तो उसकी मौत और अपनी जिंदगी दोनों खराब करोगी। ये वक्त जज्बातियत को देखने का नहीं है, ये वक्त रिश्ते निभाने का है। वक्त आ गया है कि तुम अपना रिश्ता निभाओ और अपने शौहर के साथ चली जाओ, और वो अच्छा शौहर बनकर अब
अपनी बीवी के साथ अपना रिश्ता निभाए। बेटा नसीब तुम दोनों को बुरी तरह से हरा चुका है। अब अगर तुमने मजीद लड़ने की कोशिश की तो तुम अपना सब कुछ बिखेर दोगी। आप क्या कह रही हैं? आप चाहती हैं मैं उसे छोड़कर चली आऊं? इस वक्त जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे इस वक्त अपनी बीवी की जरूरत है, और तुम उसके करीब रहकर अब अपना मुस्तकबिल तारीख नहीं कर सकती हो। बेटा बस बस कर दो, खत्म कर दो, ना करो अपने साथ और खुद के साथ ये सब। उसे अपनी बीवी के पास जाने दो, और तुम दिल पे पत्थर रख कर फहद को फोन करो और चले जाओ उसके पास ऑस्ट्रेलिया, ताकि उसे तुम्हारा आसरा खत्म हो और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें सुकून से अपनी बीवी और बच्चे के साथ ले सके। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? आप कह रही हैं मैं दाऊद को छोड़ के चली जाऊं? आप चाहती हैं मैं खुदकर्ज बन जाऊं? तो फिर क्या करोगी तुम? इस हाल में उसे अपनी बीवी को तलाक दिलवाओगी, या खुद तलाक लेकर उसके साथ दफनों से कट के उसके घर में जाके उसकी खिदमत में जिंदगी गुजारोगी, और वो तुम्हारे हाथों में दम तोड़ेगा, और फिर तुम फिल्मों की तरह कोई सन्यास लोगी और तुम्हारी मोहब्बत में किताबें लिखी जाएंगी। एक साल में इस मोहब्बत के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, लग पता जाएगा तुम्हें जब तुम्हें बावच के घर पे उसके दर पे बैठना पड़ेगा बेयार और मददगार। मोमिना मोमिना मोमिना। अब बात और है बेटा, तो तलाक का दाग धोने वाला भी जा रहा है इस दुनिया से। सोचो तो सही, उम्र भर का रोग है ये, क्या सारी जिंदगी इसी तरह से तुम बैठी रहोगी? इसलिए तो मैं खुद चला आया अपनी बीवी को मनाने के लिए। तुम कब आए? बस अभी अभी आया हूँ, मैं सिर्फ अपनी बीवी को मनाने के लिए आया हूँ। आओ ना बेटा, बैठो बैठो बैठो। बहुत लंबा सफर है। मैं तुम्हारी चाय वाय बनाकर लेकर आती हूँ, तुम इतनी दूर से आए हो, जरा तुम्हारी थकन उतरेगी। नहीं नहीं खाला, थकन उतारने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं वैसे भी 24 घंटे के लिए आया हूँ, सिर्फ मोमना को मनाने के लिए। अब वैसे भी खाला फोन तो अटेंड नहीं किए जाते और कॉल्स भी रिसीव नहीं होती हैं, फिर फोन्स पे एक्सप्रेशंस दिखाई कहाँ जाते हैं, ना सामने वाले के देखे जा सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फेस टू फेस बैठ के कन्विंस किया जाए। मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी, मियां बीवी में अक्सर औकात तल्ख बातें हो जाती हैं, मगर इसका यह मतलब थोड़ी है कि शोहर को ही छोड़ दिया जाए। और इसने मेरे साथ वादा किया है कि ये सब कुछ भुला देगी और नए सिरे से अपने शौहर के साथ जिंदगी शुरू करेगी, और अगर ये मेरी बेटी है तो ये ऐसे शौहर की कदर जरूर करेगी जो सात समंदर पार से उसे मनाने के लिए चला आया हो। ये जरूर जाएगी तुम्हारे साथ। मैं कुछ वक्त यहां रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत रह लिया तुमने मैके, अब तुम जाओ अपने शौहर के साथ अपने घर। इसकी देखा देखी मेरी बहू भी अपने मैके जाके बैठ जाएगी। बस बेटा मैं फहद को अकेले नहीं भेजूंगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये तुम्हारा घर है, तुम बाद में चली आना जब तुम्हारा दिल चाहे। तो क्या मतलब है खाला, मेरी बीवी को अपने घर से निकालने का इरादा है आपका? खैर अब हम इतने भी गिरे पड़े नहीं कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आपके दर पे पड़े रहें।
मैं जानती हूँ तुम तो मेरे समझदार बेटे हो ना, यही नादान है, इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम लोग आराम से बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा चाय बना के आती हूँ। मोमिना, क्या हुआ, ये बात कैसे आ गया? मैं शहर बानो बात कर रही हूँ। ओ सॉरी पोपो, मैं समझा मोमिना है। मोमिना अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती है बेटा, इसलिए उसकी कॉल का इंतजार करना छोड़ दो। क्यों पोपो, फहद से क्या उसकी सुलह हो गई? उसने फहद से समझौता कर लिया है, इसलिए कि तुम दोनों अब अपनी मोहब्बत निभाने की पोजीशन में नहीं हो। फहद अचानक ही चला आया उसे मनाने और मैंने मोमना को राजी कर लिया उसके साथ जाने के लिए ताकि उसका घर बच सके। कोई माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ना नहीं चाहती है, और तुम जानते हो कि अगर इस बार उसका घर उजड़ जाता तो फिर शायद ना बच सकता। बस उसे अब अपने घर का होने दो और तुम खुद भी अपने घर लौट जाओ, अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपनी माँ के पास, और अपने मरने की तैयारी करो। अल्लाह ना करे बेटा कि कभी ऐसा हो, अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी दे दे। तुम अपने घर में खुश रहो, अपने बेटे की खुशियां देखो। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। बहुत शुक्रिया। उठाने दो, मेरे जाने के बाद तो तुम्हारा ही है। सुनो, आज तुम इधर ही रुक जाओ मेरे कमरे में, वहां अकेले घर में क्या करोगे, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? तुम्हारी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, मोमना को फोन करके बता दो। बताने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा के लिए यहां वापस आऊं। मोमना नायाब के साथ रहने पर राजी हो गई? मोमना फहद के साथ रहने पर राजी हो गई, हमारी शादी नहीं हो सकती। मतलब उसे तो तलाक मांग ली थी ना, फैसला कर लिया था, फिर ये अचानक क्या हुआ? मुझे खुद नहीं पता मम्मी, फैसला कहां से आया? मैं
मियां बीवी के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। हम वो मियां बीवी हैं जिनके बीच में हमेशा कोई तीसरा रहा है, तीसरे की वजह से ही ताल्लुक जुड़ा और टूटा। इस बार नए सिरे से ताल्लुक जोड़ते हैं सिर्फ एक दूसरे के लिए। फिर से एक कमजोर ताल्लुक? नहीं, इस बार जो ताल्लुक जुड़ेगा वो बहुत मजबूत होगा, कभी नहीं टूटेगा। तो बहुत अच्छा वक्त देगा तुम्हें। कब तक? जब तक जिंदगी है मेरी। मैंने बहुत ज्यादती की है तुम दोनों के साथ, इतनी ज्यादती कि जिसका अजाला करने का सिरा ही हाथ में नहीं आ रहा। तुम मुझे बताओ कि अपनी जिंदगी किस पॉइंट से, किस मोड़ से शुरू करना चाहती हो, तुम किस तरह खुश हो जाओगी और मुझे माफ कर दोगी? इसमें आपका कोई कसूर नहीं, मेरी किस्मत नहीं, ये मेरा जुल्म है, मेरे एक गम ने तुम्हारी जिंदगी में जहर भर दिया। तुम्हारे साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूं मैं। तेज तेज जल्दी जल्दी लोग पीछे चलते हैं वहां जहां मेरी और तुम्हारी शादी हुई थी। मैं तुम्हारी जिंदगी के कैनवस में नए रंग भरना चाहता हूं। कैसी जिंदगी जहां कोई कड़वाहट ना हो, जहां तुम्हें कभी ये याद ना रहे कि मैंने तुम्हें कोई गम दिया था। नई जिंदगी का आगाज करना चाहता हूं। जब तुमने ट्राई किया था तब भी अच्छा लग रहा था। और ये जो हील्स ले आए हैं आप मेरे लिए, ये मुझसे कैरी होंगी? गिर जाऊंगी मैं इनमें। नहीं गिरोगी, अगर गिरने लगोगी तो मैं थाम लूंगा और तुम्हें तब तक थामता रहूंगा जब तक तुम चलना सीख नहीं जाते। ऑफिस हमारे साथ। ऑफिस? हाँ, उसके बाप का ऑफिस है। ये आप दवाइयाँ किस चीज की खा रहे हैं? क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, मुझे वो बीमारी हुई है जिसके डायग्नोज होते ही इंसान को अपनी जिंदगी से प्यार हो जाता है, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, ड्यूटियां भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन दाऊद, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, दवाइयाँ किस चीज़ की हैं? जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसान दवा खाता है, वैसे ही बीवी से मोहब्बत को कंट्रोल करने के लिए भी एक दवा होती है। मैं वही खा रहा हूँ, लेकिन हैरत की बात है ना यार, उसका असर नहीं हो रहा, प्यार बढ़ता चला जा रहा है। हम मजाक कर रहे हैं ना, मोहब्बत और मुझसे? क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती? मैं
मुझसे हमदर्दी तो हो सकती है लेकिन मोहब्बत नहीं। ऐसा नहीं है नायब, इधर आओ, इधर आओ ना मेरे पास। यहाँ देखो, तुम बीवी हो मेरी, मेरे बेटे की माँ, पर मुझे तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? इंसान कभी कभी किसी का सब कुछ होकर भी उसकी मोहब्बत नहीं बन सकता, आप बेबस हो जाता है, मोहब्बत नहीं कर पाता। अच्छा एक बात बताएं, मोमना आपको छोड़कर क्यों गई? मैंने उसे कह दिया कि मैं अपनी बीवी को मिस कर रहा हूँ, तो उसको लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। झूठ? झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बैठो ना यार, आओ उधर, नहीं इधर बैठो। मैं अब वहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? क्या मतलब कैसे बैठ सकती हूँ, ये तुम्हारी सीट है, इधर आओ ना। लेकिन वो आपकी जगह है। प्लीज नायाब, मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ इधर आओ, तुम्हारी सीट है अभी, कॉन्फिडेंटली बैठो, ये तुम्हारा ऑफिस है, बैठो। ये मंजर अपनी आंखों में कैद कर लो था, जिस दिन ये बड़ा होके इस कुर्सी पर बैठने आएगा उस दिन तुम नहीं होगे। कितने बदनसीब हो तुम, कितना कीमती वक्त एक मोहब्बत के मातम में गवा दिया तुमने। लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लाए? इसलिए कि तुम जान सको कि ऑफिस में क्या कुछ करना होता है, मेरे जाने के बाद तुम्हें ही संभालना है ना सर। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, ऐसे ही बस बाहर जाना है। अच्छी लग रही है मेरी ऑफिस में बैठी। वापसी का सफर शुरू हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता कैंसर तुम्हारे अंदर के एक एक हिस्से पे अपना आस्ताना बना डालेगा, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे हाथ पैर नजर समाज सब इसके शिकंजे में फंस के बेकार हो जाएंगे। कैसे तुम्हारी सांस बंद होगी, कैसी होगी वो तकलीफ, कैसे तय होगा इस जहां से उस जहां तक का सफर। दाऊद आप तो मेहमानों के जाने के बाद इस तरह सोए जैसे मुझे पहचानते ही ना हो, ना कोई बात ना कोई प्यार भरा जुमला, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पूरे फंक्शन का खाना आपने ही बनवाया। नहीं बस वो थोड़ा अपसेट हो गया था, कॉल आ गई थी, मुझे आज ही यूरोप जाना होगा। लेकिन आप कैसे जा सकते हैं, आपको टाइफाइड है, मैं नहीं जाने दे सकती आपको। जाना तो होगा, आबो हवा बदलते ही तबीयत ठीक हो जाएगी, यहाँ तो बहुत पोल्यूशन है। लेकिन दाऊद आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
इंग्लैंड जा रहा हूँ यार, वहाँ इलाज बहुत अच्छा होता है। तुम पैकिंग कर दो। पांच शर्ट्स काफी हैं या एक दो और रख दूं? काफी होंगे। आपके परफ्यूम्स भी खत्म होने वाले हैं, वहां से ले लीजिएगा। बहुत अच्छे वक्त पे खत्म हो रहे हैं। आज 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 ऐसे ही भेजोगी? प्लीज मुझसे राजी हो जाओ। मैं चाहता हूँ जाते हुए तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट और इत्मीनान छोड़ के जाऊं। मैं वाकई तुम्हें चाहने लगा हूं, जैसे कोई शख्स जिंदगी चाहता। तो फिर मुझे भी साथ ले जाए। हो नहीं सकता, उन्हें आपका ख्याल कौन रखेगा, मेरे घर का और मेरे बिजनेस का। आप वापस कब आएंगे? कुछ अंदाजा नहीं, कोशिश करूंगा तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। तुम्हारे हिस्से का प्यार नहीं दिया। नहीं कहूंगी। अच्छा, अपना और अम्मी का बहुत ईमानदारी से ख्याल रखना। अगर कभी तुम्हें फील हो कि वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हैं या कोई बात जो तुम्हें अच्छी ना लगे, तुम घर की चाबी उनको दे के मैं घर चली जाऊं। खुदा की कसम मैं तुमसे कभी शिकवा नहीं करूंगा। आप जल्दी वापस आ जाएंगे ना? हाँ, कोशिश करूंगा। अम्मी से मिल लो। जा रहा हूं। अल्लाह निगहबान। आपकी नाराजगी का बोझ लेके चला जाऊंगी। तुम्हें हमारी इतनी परवाह कब से होने लगी? मुझे तो लगता है मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सिर्फ आप ही की परवाह की है। ये अलग बात है कि मैं आपको कभी खुश नहीं कर सकता। दरअसल रमिया, आप कभी खुश रह ही नहीं सकती। आपने वो तमाम दरवाजे अपनी नफरतों के तालों से बंद कर दिए हैं, जहां से खुशी आपके दिल तक पहुंच सके। मैं यहाँ पे
मम्मी से मिलने आया। लेकिन मैं तो जब भी आता हूं मुझे मैंने दादी के जख्मों से चूर यारों को देखा। मेरा कोई भी अमल, मेरी कोई भी कुर्बानी आपके जख्म को नहीं भर सकी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आपको आपके गमों से निजात नहीं दिला सका। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए। मैं आपका दुख दूर नहीं कर सका, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस जा रहा हूं। वापस कब आओगे? कुछ वक्त लगेगा। प्लीज मेरे जाने के बाद नायाब और मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। कभी आपको मेरी ज्यादा याद आए तो बच्चे को उठा लीजिएगा, आपको उससे मेरी खुशबू आएगी। सिर्फ नायाब का ही नहीं, मेरा भी बेटा है। प्लीज उनका ख्याल रखिए। क्या बात है इनाम साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ दाऊद को? आइए मेरे साथ। क्या आप अंदर चढ़ के देख लीजिए। ये सब कुछ क्या है, यहां क्यों हो तुम? क्या क्या हुआ? कैंसर, मैं मर रहा हूं। हाँ, तुम्हें कैंसर कहां से हो गया? ऐसी बातें नहीं करते, बहुत बुरी बात है। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो दाऊ। मेरी बात सुने, आपको अब पता चला होगा कि मैंने सबको कहा क्यों दिया। प्लीज मेरे मरने के बाद मेरी बीवी मेरे बच्चे का ख्याल रखे। अल्लाह ना करे दाऊद। नहीं दाऊद, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। तुम बस ठीक हो जाओ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारी खुशी में बिल्कुल खुश रहूंगी। दाऊद तुम यहाँ से उठो। अनहित की खुशी में खुशी मेरे हिस्से का प्यार बेटे को दीजिएगा। दादी की तल यादों की नजर हो गया। मुझे माफ कर दाऊ प्लीज। मैं कभी कभी सालिक को माफ कर देने से मसलों की पका होती है। आप प्लीज उसको माफ कर। अल्लाह अकेली रह जाएगी, मेरा बच्चा मेरी बीवी अकेले रह जाएगी। अभी जो प्यार आप मुझे ही नहीं दे सकी, प्लीज मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को दे देना। प्लीज मेरी रूह को सुकून मिलेगा, मेरी रूह को सुकून मिलेगा। सबको माफ कर दिया मेरे बच्चे, मैंने सबको माफ कर दिया, मैं हर एक को माफ कर दूंगी। बस तुम यहाँ से उठो, तुम मेरे साथ चलो। मैं
मैं नायब को बहुत प्यार करूंगी, मैं उदय से बहुत खेलूंगी, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे माफ कर दो, तुम चलो घर चलो, मेरे साथ घर चलो, तुम ठीक हो जाओ ना मुझे। समीना, समीना, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे बताओ मम्मी आई है घर? नहीं, अब ड्राइवर को कॉल करें। वो नहीं उठा रहा ना फोन, तुम लोगों को मुझे बताना तो चाहिए था कि मम्मी रात से घर नहीं आई। बताना भी जरूरी नहीं समझते हो, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया हो फिर। इनाम साहब, आप इतनी सुबह, सब खैरियत तो है ना? मम्मी कहाँ है? मम्मी ठीक है ना? पानी से उसका दिल कब भरता है? मैं देखती। अरे नहीं, रहने दो, मेरे बच्चे को डांटोगी तुम। रुक जाओ, मैं खुद ही ले आऊंगी, बल्कि तुम जाओ, मैं तैयार करके ला रही हूँ उसे। अच्छा हाँ, जाओ। आओ इधर आओ। चलो जी। आजाओ। मामा से बचा लिया मैंने अभी आपको, पता है? तो बड़ा अच्छा आया है जनाब का, है? लगता नहीं है वैसे कि कोई पढ़ाई शढ़ाई हो रही है। रिजल्ट बड़ा सब कैंडीज, कार्टून्स, मूवीज बंद थी, कुछ नहीं मिलना था, पता है? और आपको तो जो डांट पड़ती सो पड़ती, मामा ने तो मुझे बताना था ना कि मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया। देर हो रही है हमें, और मामा ने फिर आ जाना है और दोनों को डांट पड़ जानी है। चलो अपना बटन लगाओ खुद, अब अपने काम खुद से भी थोड़े थोड़े करने चाहिए। चलो आज मैं हेल्प करती हूँ, मैं ये वाला बटन लगाती हूँ, देखते हैं कौन जीतता है, दादू जीतती हैं या मेरा बेबी जीतता है। ओह, लग गया लग गया लग गया लग गया।
ये दादू जीत गई।